हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स इको टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन। बच्चों, इसके अंदर कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर और सर्कुलर मोशन, ये टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं। तो नीट के अकॉर्डिंग अपन ने बिल्कुल पेपर है उसको डिजाइन किया, उसको अपन ने फ्रेम किया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नीट में आते हैं वैसे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने पेपर को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा। तो चलिए, इसके बाद में वीडियो सॉल्यूशन को आप इंजॉय कीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्योरीज है, उनको बिल्कुल मैं पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स द वुडन ब्लॉक अप टू 6 सेंटीमीटर देन द एवरेज फोर्स इम्पोज्ड बाई द बुलेट ऑन द ब्लॉकेज। तो ध्यान से देखना। देखो, एक बुलेट है जिसका मास अपने को दे रखा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी अपने को दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपने को इस पे फोर्स है वो कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन ऑफ मोशन 3 अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो देखना ध्यान से, देखो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा, यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो वी तो कितना देगा आपके पास है, 0। यहाँ पे यू कितना देगा आपके पास में, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 10^4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है 2 और रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस का अपन क्या कर देंगे, ए, और इसके बाद एस। जो डिस्टेंस है वो कितने देर की, 6 सेंटीमीटर, यानी इसको अपन बोलेंगे 6 × 10^-2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास है 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 × 10^-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास है, 10^4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ए इक्व टू कितना बन जाएगा अभी, 10^4 अपॉन ये आपके पास 12 × 10^-2 बन जाएगा अभी। तो इसको अपन बोलेंगे 10^6 अपॉन क्या देगा, 12 मीटर पर सेकेंड। इसका ये तो आपके पास है इसका रिटार्डेशन आ गया। अब आपको यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो अपन क्या लिख सकते हैं, एफ इक्व टू एम ए होता है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एफ इक्व टू एम इंटू ए। तो मास अपने को कितना देगा यहाँ पे, 5 ग्राम। तो 5 × 10^-3 ये आपके पास है कितना देगा, 10^6 और डिवाइडेड बाई ये आपके पास है 12 देगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कर लेते हैं तो कितना देगा भी, ये हो जाएगा आपके पास है 5000 / 12 4। इसके बाद में 1.7 न्यूटन ये आपका लगभग आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसके अंदर अपन करेक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि बोलो मास 2 0.2 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स बाई अप्लाइंग ए फोर्स बाई हैंड। इफ द हैंड मूव्स 0.2 meter वाइल अप्लाइंग द फोर्स एंड द बॉल गोज अप टू 2 meter हाइट फर्दर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कंसिडर जी इक्वल टू 10 m/s² तो ध्यान से देखना। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अपन करेंगे बाई अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मैं लिख देता हूँ बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा जो हैंड है वो कितना फोर्स लगा रहा है, एफ, और एक हो जाएगा वर्क डन बाई ग्रेविटी, इक्वल टू हो जाएगा आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अपन देखते हैं, देखना ध्यान से देखो, वर्क डन बाई हैंड ये कितना हो जाएगा बताओ, मान किस लेगा मेरा जो हैंड है वो कितना फोर्स लगा रहा है, एफ लगा रहा है, और मेरे हैंड के साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बॉल का, ये कह रहा है कि 0.2 meter। तो एफ इंटू कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, एम जी। एम कितना दे रखा आपके पास में, 0.2 × g, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास में, 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा जा रहा है कितना, 0.2 meter। तो ये हो गया, और इसके बाद में 2 meter फर्दर बॉल ऊपर की तरफ और जा रही है तो 2.2 meter हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 2.2, और ये जो वर्क डन है वो नेगेटिव देगा, क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली बॉल रेस्ट में थी और फाइनली मैक्सिमम हाइट पर भी बॉल है वो रेस्ट में आ जाती है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो
अपन इसको बोल सकते हैं जीरो माइनस जीरो, माइनस का उधर जाकर के प्लस को देगा, तो ये आपके पास समझ जाएगा एफ इंटू 0.2 इक्वल टू 2 इंटू 2.2। यहाँ पे 0.2 से अपन 0.2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास एफ इक्वल टू कितना देगा भाई, ये बन जाएगा आपके पास 22 न्यूटन। तो 22 न्यूटन थर्ड ऑप्शन अपना इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद अपन। ये कह रहा है कि बेलून विद मास एम इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए, वेयर ए लेस देन क्या हो जाएगा जी, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग इट अप विद एन एक्सेलरेशन ए। तो बात सुना भी, सबसे पहले आपके पास में कोई बेलून है और इसके बाद इस बेलून का मास है वो कितना हो जाएगा आपके पास एम हो जाएगा। तो इस बेलून पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है एम जी, इस बेलून पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बायोन फोर्स लग रहा है एफ लग रहा है, और ये इस प्रकार से नीचे की तरफ रिटार्डेशन कर रहा है ऐसे, सॉरी नीचे की तरफ ये ऐसे एक्सलरेट हो रहा है। तो अपन इसके लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं नीचे की तरफ एम जी माइनस ऊपर की तरफ क्या देगा फोर्स इक्वल टू क्या देगा एम इंटू ए। एक तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। दूसरे केस में आपको ये बोला जा रहा है कि अपन क्या करते हैं इसके अंदर से कुछ मास को अपन रिमूव करते हैं, और मान के इसलिए कितना मास अपन ने रिमूव किया है एम नॉट मास को अपन ने रिमूव कर लिया, जिससे ये सेम एक्सेलरेशन ए से अपवर्ड डायरेक्शन मोशन करने लग जाता है। तो अब इसका मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ इस प्रकार से, बेलून की साइज है वो तो लगभग एज इट इज रहेगी, तो एम माइनस क्या हो जाएगा एम नॉट, एम नॉट मास को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो इस पर नीचे की तरफ तो क्या फोर्स लग जाएगा एम माइनस का एम नॉट इंटू जी, ऊपर की तरफ इस पर क्या फोर्स लग जाएगा अभी इस प्रकार से एफ। अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ क्या हो चुका है ए हो चुका है, तो अब अपन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अभी, ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा एफ माइनस नीचे की तरफ क्या हो जाएगा एम माइनस क्या हो जाएगा आपके पास एम नॉट इंटू जी इक्वल टू टोटल मास कितना बचा है अभी एम माइनस का एम नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपके पास ए। इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को अपन एड कर देंगे, तो माइनस है प्लस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा इस प्रकार से एम जी इक्व टू या एम जी, और इसके बाद में माइनस माइनस क्या देगा आपके पास है एम जी, माइनस माइनस क्या देगा प्लस, तो प्लस क्या देगा आपके पास एम नॉट जी इक्वल्स टू बराबर में क्या बन जाएगा अभी, यह हो जाएगा आपके पास एम ए और प्लस एम ए माइनस क्या देगा आपके पास एम नॉट ए। यहाँ पे इस एम जी से अपन इस एम जी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इधर की तरफ आपके पास क्या हो जाएगा एम नोट जी, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा एम एम ए क्या हो जाएगा आपके पास है टू एम ए। अब बात सुनना भाई, यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एम नोट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो माइनस का एम नोट ए वाली टर्म को अपन इधर की तरफ लेकर के आ जाएंगे, तो अब आपके पास में क्या बन जाएगा देवदान से, यह देखा आपके पास एम नोट जी और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एम नोट ए, तो यहाँ से एम नोट को अपन कॉमन ले लेते हैं और ये आपके पास में क्या हो जाएगा ए प्लस जी इक्व टू, इधर की तरफ आपके पास में क्या जाएगा एम एम ए टू एम ए बन जाएगा, इसको अपन बोलेंगे टू एम ए। तो यहाँ से आपको एम नॉट कैलकुलेट करना है, तो एम नॉट इक्व टू क्या देगा आपके पास टू एम ए अपॉन क्या देगा आपके पास ए प्लस का जी, तो टू एम ए अपॉन ए प्लस जी, तो आपके पास टू एम ए अपॉन ए प्लस जी थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों अपन जानते हैं कि नेट फोर्स इक्व टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो पहले आपके पास में नेट फोर्स क्या बन रहा था भी एम जी माइनस एफ, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्व टू एम ए हो जाएगा, और अब इसका जो मास है वो कितना हो जाएगा भी एम माइनस एम नॉट हो जाएगा, कितना देगा एम माइनस एम नॉट इसका रिमेनिंग मास हो जाएगा, क्योंकि एम नॉट मास को अपन ने रिमूव कर दिया है और एम नॉट की वैल्यू यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट कर दी है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ अपन रुख करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करे, ये कह रहा है एक पर्सन ऑफ मास 60 केजी इज इनसाइड ए लिफ्ट और मास 940 केजी एंड प्रेसेस द बटन वन कंट्रोल पैनल द लिफ्ट स्टार्ट स्विंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 1 m/s² जी इक्वल्स टू 10 m/s² द टेंस इन द सपोर्टिंग केबल इज। तो बात सुना भी, पर्सन का जो मास है वो कितना हो जाएगा 60 देर का है, लिफ्ट का मास कितना हो जाएगा आपके पास 940 हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास इस प्रकार से लिफ्ट होगी, इस लिफ्ट के अंदर इस प्रकार से ये कोई आदमी खड़ा है इस प्रकार से, और इसका जो टोटल मास है वो कितना हो जाएगा आपके पास है 1000 केजी हो जाएगा, और जी की वैल्यू अपने को कितने लेने 10 लेनी है, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा कितना 10000
ठीक है ना, ये नीचे की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा इस पर, 10,000 हो जाएगा। तो इसको लिख देता हूं मैं इस प्रकार से, 10,000 ऊपर की तरफ टेंस है ना, वो कितना देगा आपके पास 30। और इसका ऊपर की तरफ जो एक्सलरेशन है वो आपको कितना देगा, अभी एक वस्तु कितना देगा, 1 हो जाएगा। तो एक वस्तु 1। अब अपन क्या लिख सकते हैं, अभी अपवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रहा है तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, टी। माइनस कितना देगा बताओ, ये देगा आपके पास 10,000, ठीक है ना। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, एम कितना देगा आपके पास 1,000, इंटू ए कितना देगा बताओ, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है टी इक्व टू 10,000 प्लस 1,000 इक्व टू कितना देगा, यह हो जाएगा आपके पास 11,000 न्यूटन। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा अभी, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, यहाँ पे जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रही है, तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी, नेट फोर्स इक्व टू एम ए। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन करती तो फिर उसके बाद में क्या लिखते, 10,000 माइनस टी इक्व टू एम ए कर देते फिर अपन। समझ गए बात को आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये कह रहा है लिफ्ट इज गोइंग अप, द टोटल मास ऑफ द लिफ्ट एंड द पैसेंजर्स इज 1500 केजी, द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज गिवन इन द ग्राफ, द टेंशन इन द रोफ पुलिंग द लिफ्ट एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड। तो बात सुना भी, यहाँ पे टी बराबर कितना देगा, 10 सेकेंड देगा, यहाँ पे टी इक्वल टू कितना देगा, 11 सेकेंड, 12 सेकेंड। इन दोनों के बीच में यहाँ पे टी इक्वल टू कितना देगा, 11 सेकेंड हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं टी क्वेश्चन 10 से लेकर के यहाँ पे टी क्वेश्चन 12 तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक्सलरेशन है वो क्या अभी कांस्टेंट है। तो अपन क्या करते हैं अभी यहाँ का एक्सलरेशन निकाल लेते हैं ए। तो ए क्वेश्चन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन, ये आपके पास है डेल्टा टी बन जाएगा। अब बात सुना भी, डेल्टा वी क्या होता है, वी टू माइनस वी वन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपके पास बताओ, 3.6। फाइनल जो टाइम है वो कितना देगा आपके पास है, 12 माइनस इनिशियल टाइम कितना देगा आपके पास है, 10। तो क्या बन जाएगा आपके पास है, 12 माइनस 10 कितना देगा, 2। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, माइनस का 1.8 हो जाएगा, कितना देगा, माइनस का 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो अपन जानते हैं टी इक्व टू क्या होता है, एम इंटू जी प्लस का ए। अब यहाँ पर आपके पास जो टोटल मास है वो कितना देगा, अभी टोटल हो जाएगा आपके पास है 1500। जी की वैल्यू अपन कितने ले लेते हैं, 9.8। और ए की वैल्यू कितना देगी आपके पास, माइनस का 1.8 हो जाएगा। ए क्वेश्चन क्या बन जाएगा भाई, माइनस का 1.8, 9.8 माइनस कितना देगा, 1.8। 9.8 में से 1.8 को माइनस कर देंगे तो कितना देगा, 8। तो ये आपके पास में कितना देगा इस प्रकार से, 12,000 न्यूटन। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट जाएगा अभी, ठीक है। लिफ्ट वाले केसेस तो आपने पढ़ी रखे होंगे अच्छे से। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दुकान से, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज सस्पेंडेड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर, द स्प्रिंग बैलेंस मेजर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 kg है। तो इस 5 kg पे नीचे की तरफ तो कितना लग जाएगा अभी, 50। और इधर की तरफ क्या लग जाएगा अभी, 50 sin θ। तो ये आपके पास में कितना देगा, 50 sin 30। साइन 30 कितना देगा, 1/2। तो ये आपके पास में कितना देगा, 25। ऊपर की तरफ क्या देगा, टेंशन। और अपन जानते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस होती है टेंशन को मेजर करती है। तो 25 यानी सेकेंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा अभी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद में अपन। ये कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के एक्स विद के इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर। ये आपको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दे रखा है। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। भाई आपको यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्स का फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले अपन फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, देखो एफ इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, के एक्स दे रखा है। तो के तो कितना दे रखा है आपको, 15। और एक्स कितना दे रखा है अभी, 20 सेंटीमीटर, यानी इसको अपन क्या बोलेंगे, 0.2। तो ये तो कितना देगा आपके पास, 3 न्यूटन। और ए इक्वल टू क्या होता है अभी, एफ अपॉन एम। तो फोर्स कितना देगा, 3। और मास कितना दे रखा है अभी आपको, 0.3 दे रखा है। तो ये कितना देगा आपके पास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद में अपन। क्या कह रहा है दुकान से,
एन आर्मी व्हीकल ऑफ मास 1000 केजी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज एक्टेड अपॉन बाई ए फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ड्यू टू द इंजन एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो सबसे पहले अपन इस पर नेट फोर्स निकाल देते हैं। तो नेट फोर्स कितना देगा, अभी आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 1000, पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 500, ये नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना हो जाएगा आपके पास है 1000 इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ से 1000 माइनस 500, 500 अपॉन 1000, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी आपके पास 1/2 हो जाएगी। ये आपके पास है क्या देगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इसके बाद में आपको टी इक्वल टू 10 सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो वी इक्वल टू क्या देगा, यू प्लस का ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 10 तो इसके पास में थी, एक्सेलरेशन कितना देगा 1/2 इंटू टाइम कितना देगा आपके पास है 10। तो 10/2 कितना देगा 5, 10 प्लस 5 कितना देगा आपके पास में 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी इसकी। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में अपन। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या करे, ये कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ ए मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज 3:2। ठीक है ना, तो बात सुना भी, स्टेशनरी लिफ्ट है तो स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर जो वेट है वो कितना हो जाएगा आपके पास एम जी हो जाएगा। और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना देगा आपके पास एम इंटू जी माइनस का के। यहाँ पर आपको डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डेस है ये आपको गिवन है, तो इसको अपन बोलेंगे एम से एम कैंसिल आउट कर देंगे जी अपॉन जी माइनस ए, और ये कितना देर का भी आपको 3:2 देर का है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना देगा आपके पास 2g इक्वल टू क्या देगा आपके पास 3g माइनस का 3a। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास में कितना बन जाएगा 3a इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास 3g माइनस 2g कितना देगा g। तो यहां से आपके पास a इक्वल टू कितना बन जाएगा g डिवाइडेड बाई, ए कितना बन जाएगा आपके पास है जी डिवाइडेड बाई 3। सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट चला जाएगा अभी। ठीक है ना, तो सिंपल सा आपका जो लिफ्ट वाला कंसेप्ट है उस पर बेस्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अपन ने आराम से सोल्व कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर उसके बाद में। यह कह रहा है कि व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड एट ए टारगेट इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बाई हाफ आफ्टर पेनिट्रेटिंग 30 सेंटीमीटर इंटू इट। ठीक है ना, द एडिशनल थिकनेस इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड अपन जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बात सुना भी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपके पास u थी, और 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद भी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, अभी v को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी 30 सेंटीमीटर के बाद में u बाई 2 देगा, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या देगा आपके पास यू स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू क्या देगा आपके पास यू स्क्वायर प्लस 2 इसके बाद a, और डिस्प्लेसमेंट कितना देगा आपके पास है 30 सेंटीमीटर, तो इसको अपन बोल देंगे 30 बोल देंगे भी। यहाँ से आपके पास है, ध्यान से देखना, देखो इसको अपन क्या बोलेंगे 2a into 30 इक्वल टू क्या देगा आपके पास यू स्क्वायर बाई 4 माइनस यू स्क्वायर, इसको अपन बोलेंगे माइनस का 3u² / 4। ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन बन करके तैयार हो चुकी है। अब आपको ये बोल रहा है कि द एडिशनल थिकनेस इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज। अब ध्यान से देखना, तो 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद में इसकी वेलोसिटी हाफ तो हो चुकी है, यानी u से u बाई 2 तो हो चुकी है, अब u बाई 2 से आपको जीरो करना है। तो थर्ड इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी कितना देगी 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना देगी, अभी u बाई 2 से आगे की बात कर रहे हैं तो u बाई 2 का स्क्वायर कितना देगा u स्क्वायर बाई 4 इसके बाद प्लस 2 ए, एडिशनल डिस्टेंस कितने देगी आपके पास एक्स हो जाएगी। यहां से आपके पास यू स्क्वायर बाई 4 इसके बाद में इक्वल टू माइनस का 2ax बन जाएगा, तो माइनस का 2a इसको अपन क्या बोलेंगे एक्स बोल देंगे। ठीक है ना, अब यहां से ध्यान से देखना, देखो जो इक्वेशन नंबर इसको अपन क्या बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं, या फिर उसके बाद यहां से अपन क्या कर सकते हैं जो 2a उस 2a की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहां से आपके पास 2a इक्वल टू 2a = 2a साइड कर लिया मैंने, और इसके बाद 3/30 कितना हो जाएगा आपके पास 10,
तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास में 40 देगा, सही बात है ना। तो 2a की वैल्यू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 देगा, और वो भी किसका, माइनस का। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, माइनस माइनस तो प्लस देगा, 2a को अपन क्या बोलेंगे, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 इंटू क्या देगा आपके पास में एक्स। तो यहाँ से यू स्क्वायर को अपन क्या करेंगे, यू स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास एक्स इक्व टू 40/4 कितना देगा आपके पास है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसके अंदर अपन करेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, अपने को दो बार इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में अपन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 5 kg स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर इज टू 30 IK प्लस 40 JK मीटर पर सेकंड। इफ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू -IK प्लस 5 JK न्यूटन एक्स ऑन द बॉडी द टाइम इन विच y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0। तो बात सुना भी, यहाँ पर आपके पास में जो F है फोर्स क्या दे रखा है अभी, F इक्वल्स टू माइनस क्या देगा आपके पास IKF और माइनस क्या देगा आपके पास है 5 JK। इसके बाद A इक्वल्स टू क्या होता है अभी, A इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास F अपॉन M। F कितना देगा आपके पास माइनस का IKF और माइनस क्या देगा आपके पास है 5 JK डिवाइडेड बाई M कितना देगा 5 हो देगा। तो इसको अपन क्या बोलने के भी, माइनस का 1/5 इसके बाद IKF और माइनस कितना देगा आपके पास है 1, ये आपके पास हो जाएगा JKF हो जाएगा। ये तो एक्सलरेशन आ गया। अब यहाँ से आपके पास जो AX है उस AX की वैल्यू कितनी देगी बताओ, माइनस का 1/5 हो देगी। और इसी प्रकार से आपके पास जो AY है वो AY कितना देगा आपके पास है माइनस का 1 हो जाएगा। समझ गए बात को आप। अब आपको बोला जा रहा है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0, तो y डायरेक्शन अपन क्या लिख सकते हैं, vy इक्वल टू uy प्लस क्या होता है आपके पास ay इंटू t। तो आपके पास जो vy है उसको आपको 0 करना है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0 इक्वल टू, बात करते हैं ui की बात करते हैं, तो ui कितना देगा आपके पास है 40। ay की बात करते हैं तो ay कितना देगा आपके पास है माइनस का 1 इंटू टाइम कितना देगा आपके पास है t। यहाँ से आपके पास टी इक्व टू कितना देगा 40 सेकेंड हो जाएगा अभी। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा अभी, ठीक है ना। तो आपको वाई डायरेक्शन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है वो अप्लाई करनी है, ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में, यह कह रहे कि प्लम लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए कार मूविंग द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ए, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद वर्टिकल। कुछ भी नहीं, ध्यान से देखना, देखो इस प्रकार से वर्टिकल के साथ में कुछ एंगल बन जाएगा, और ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है थीटा। अब इस पे नीचे की तरफ तो क्या फोर्स लगता है अभी, एम जी फोर्स लगता है, इधर की तरफ क्या फोर्स लगता है, एम ए फोर्स लगता है, नेट फोर्स आपके पास इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा, और ये भी एंगल आपके पास है थीटा बन जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्व टू क्या हो जाएगा आपके पास, एम ए अपॉन एम जी। इसको अपन बोलेंगे ए बाई जी, तो यहाँ से आपके पास है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए डिवाइडेड बाई जी। तो टेन इनवर्स ए डिवाइडेड बाई जी आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में अपन, यह कह रहे कि लीनियर मोमेंटम पी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन द वन डायमेंशन वेराइज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पी इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर वेर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज। तो बात सुना भी, यहाँ पर आपको लीनियर मोमेंटम गिवन है और आपको फोर्स पूछा जा रहा है। तो अपन जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। पी इक्वल टू क्या देगा आपके पास, ए प्लस बी टी स्क्वायर, ए का तो कितना देगा 0, बी का बी, और टी स्क्वायर का कितना देगा आपके पास है 2t। तो ये आपके पास बन जाएगा 2bt। तो इसको अपन बोल सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास है t। तो अपन बोलेंगे प्रोपोर्शनल टू द t, फोर्थ ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी। आगे देखते हैं इसी प्रकार से, ये कह रहा है कि ये पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स f सच दैट द कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम p वेक्टर एट एनी टाइम टी आर पी एक्स इक्व टू 2 cos t, पी वाई इक्व टू कितना देगा आपके पास 2 sin t। द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड पी वेक्टर
एट टाइम टी इच। तो बात सुना, अभी यहां पर आपके पास है जो पी वेक्टर है, ये कितना देगा आपके पास है टू कॉस टी आई के प्लस टू साइन टी जे के। एफ इक्वल टू क्या होता है अभी, डीपी अपॉन डीटी। इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, टू का टू और कॉस टी का क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का साइन टी, प्लस टू का टू साइन टी का क्या देगा आपके पास है कॉस टी। एफ और पी के बीच में आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो यहां से आपके पास एफ और पी, इन दोनों का अपन डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास है टू टू का क्या हो जाएगा आपके पास है फोर, तो माइनस का फोर, इसके बाद है साइन टी, इसके बाद है कॉस टी, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है टू टू का फोर साइन टी कॉस टी, बराबर कितना देगा आपके पास है जीरो। तो यहां पर आपके पास है थीटा को अपन क्या बोल देंगे, 90 बोल देंगे, क्योंकि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इस स्थिति में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपने को क्या रिजल्ट देता है, जीरो रिजल्ट देता है अभी। ठीक है, बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करे। यह करे कि 10 1 रुपी कॉइन्स आर पुट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर ऑन ए टेबल, ईच कॉइन हैज ए मास एम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब बात सुनना भी, यह करे द फोर्स ऑन द सिक्स्थ कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, इस प्रकार से कॉइन्स रखे हुए, तो ये आपके पास है फर्स्ट, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, ये आपके पास है टेंथ हो गया। इसको अपन बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास 10 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, द फोर्स ऑन द सिक्स्थ कॉइन काउंटिंग फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए भी, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इच टॉप इज इक्वल टू 4 mg, बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 4, ऊपर कितने 4 कॉइन्स है, तो 4 कॉइन्स का नीचे की तरफ कितना लगता है अभी 4 mg लगता है, तो पहले वाला तो क्या देगा अभी बिल्कुल सही। दूसरे वाला क्या करें, द फोर्स ऑन सिक्स कॉइन ड्यू टू 7th कॉइन इज 4 mg डाउनवर्ड, ये बात भी बिल्कुल ठीक है अभी, क्योंकि ध्यान से देखना, देखो होता क्या है, ये वाला कॉइन इस पे क्या लगाता है अभी mg लगाता है, ये इस पे mg लगाता है, ये mg लगाता है इस पे। तो ध्यान से देखना, देखो ये जो 7th कॉइन है, ये जो 7th कॉइन है, इस 7th कॉइन पे ऊपर वाले तीनों के कारण नीचे की तरफ कितना लगता है 3 mg, और खुद का नीचे की तरफ कितना लगता है mg, तो टोटल कितना बन जाएगा 4 mg बन जाएगा। भाई बेसिकली यहाँ पर जो 6th कॉइन है इसके कॉन्टेक्ट में तो ये 7th कॉइन ही है, पर 8th 9th और 10th ये तो इसके टच में नहीं है, तो इस पे फोर्स अगर लगा रहा है तो कौन लगा रहा है, 7th कॉइन लगा रहा है, तो 7th कॉइन है वो कितना फोर्स लगा रहा है अभी 4 mg लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या करें, द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन इज 4 mg अपवर्ड, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखना, देखो 6th पर 7th लगा रहा है नीचे की तरफ 4 mg, तो 7th है उस पे 6th है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है कितना 4 mg लगा रहा है, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्या करें, अभी द टोटल फोर्स ऑन द 10th कॉइन इज 9 mg डाउनवर्ड, 10th कॉइन है इस पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास है 9 mg, भैया किसी भी कॉइन पे जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि सारे के सारे कॉइन यहाँ पे रेस्ट में रखे हुए हैं, तो सारे के सारे कॉइन पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, तो नेट फोर्स तो कुछ होगा ही नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इस कारण से यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को आप, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में ये क्या कर रहे हैं, ए मैन इज स्टैंडिंग एट ए स्प्रिंग प्लेटफॉर्म, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 60 kg वेट, इफ मैन जंप्स आउटसाइड द प्लेटफॉर्म देन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो बात सुना भी, इस प्रकार से अपने पास में कोई स्प्रिंग बैलेंस है, इसके ऊपर कोई आदमी इस प्रकार से खड़ा है, ठीक है ना, और ये आदमी ध्यान से देखना, तो इस प्रकार से क्या करता है अभी, ये जंप कर देता है ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ इस प्रकार से जंप कर देगा। तो जैसे ही जंप करेगा तो अपने पैरों से नीचे की तरफ क्या करेगा, इस प्रकार से धक्का लगाएगा। तो पहले तो ध्यान से देखना, तो इस पे नीचे की तरफ कितना देगा अभी 60 g, पहले 60 kg इसकी रीडिंग थी। अब होता क्या, जैसे अपने पैरों से धक्का लगाता है नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाता है, एफ फोर्स लगाता है, तो पहले तो इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर जंप कर जाएगा बाहर कूद जाएगा, तो
तो इस स्थिति में इसकी रीडिंग अब वो कितनी हो जाएगी, जीरो देगी। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज टू जीरो, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में। ये कह रहा है कि रॉकेट इंजन लिफ्ट ए रॉकेट फ्रॉम अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैस विद हाई वेलोसिटी पुश अगेंस्ट द अर्थ, पुश अगेंस्ट द एयर, रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप, हीट अप द एयर विच लिफ्ट्स द रॉकेट। बात सुनना भी होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये अपने पास इस प्रकार से कोई भी रॉकेट है, रॉकेट से जो भी हॉट एयर्स निकल रही है, ये हॉट एयर्स किस पे फोर्स लगा रही है, आसपास की जो एयर है उस एयर पे फोर्स लगा रही है। तो एयर पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, एयर है इस पर इस प्रकार से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है ना, जिस कारण से रॉकेट का जो इंजन है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये कह रहा है कि पुश अगेंस्ट द एयर, क्योंकि अर्थ है, अर्थ तो कहाँ से आएगी भी, रॉकेट अगर ऊपर की तरफ चला गया तो अर्थ इसके साथ तो जाने से रही, तो अर्थ तो नीचे की तरफ रह जाएगी, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद पुश अगेंस्ट द एयर, सेकेंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये कह रहा है कि दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग 0.05 किलोग्राम ऑफ गैसेस पर सेकंड एट ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भी भाई। ये है कि आपके पास जो फोर्स है रॉकेट पे, फोर्स का फॉर्मूला होता है वी डी एम अपॉन डी टी। यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, और इसके बाद डी एम बाई डी टी कितना हो जाएगा आपके पास 0.05, ठीक है ना, किलोग्राम ऑफ गैसेस पर सेकंड, तो कितना बन जाएगा आपके पास, बताओ। ये हो जाएगा आपके पास 20 न्यूटन। ये आपका सेकंड आंसर इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा अभी। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद में। ये कह रहा है कि मशीन गन फायर से बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद ए वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकंड, द मैन होल्डिंग इट कैन एग्जर्ट ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकंड एट द मोस्ट। बात सुनना भी, जैसे मतलब ये गन है, इस गन पे अपन क्या करते हैं, अभी इस गन से जैसे बुलेट निकलती है, इस बुलेट का मास कितना देगा अभी एम, इसकी वेलोसिटी कितना देगी वी हो जाएगी, तो इस पर पीछे की तरफ क्या लगता है अभी फोर्स लगता है, धक्का लगता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक बुलेट का जो मोमेंटम है पी इक्वल टू कितना देगा आपके पास एम इंटू वी हो जाएगा। मास कितना देगा अभी बुलेट का 40 ग्राम, 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 किलोग्राम। V कितना दे रखा है अभी आपको, V दे रखा है 1200, तो इसको अपन बोलेंगे 1200, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा अभी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं अभी 1023, इसको काट देंगे, ये आपके पास हो जाएगा 48 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये तो एक का हो जाएगा अभी, नंबर ऑफ बुलेट्स मान के चलेगा कितना हो जाएगी आपके पास एन हो जाएगी। तो अपन जानते हैं कि एफ इक्स टू कितना होता है आपके पास डेल्टा पी अपॉन क्या होता है आपके पास डेल्टा टी होता है। तो फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास 144 इक्वल टू डेल्टा पी की बात करते हैं, एक बुलेट का मास कितना हो जाएगा 40, एक बुलेट का मोमेंटम कितना हो जाएगा 48, एन बुलेट्स का मोमेंटम कितना हो जाएगा एन, और पर सेकेंड बात कर रहे हैं तो टाइम कितना हो जाएगा आपके पास 1 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एन इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी 3 आ जाएगा क्या, तो n इक्वल टू कितना देगा आपके पास में 3, तो आंसर क्या देगा आपके पास है 3, फोर्थ ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी। समझ गए बात, आप आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद अपन। ये तो डायरेक्ट से इसका फॉर्मूला होता है अभी, डेल्टा पी इंपल्स i इक्वल टू कितना होता है आपके पास है डेल्टा पी, और डेल्टा पी इक्वल टू कितना होता है आपके पास है 2mv cos थीटा, तो 2mv थीटा कितना देगा आपके पास है 60, cos 60 कितना देगा 1/2, 2 से 2 को काट दो तो आंसर क्या देगा आपके पास mv, आंसर हो जाएगा mv, सेकंड ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट चला जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ 1 in L, तो बात सुना अभी 1 in L का मतलब क्या होता है, 1 in L इसका मतलब ये होता है कि अगर इस पर आप L चले जाओगे तो आप 1 मीटर की हाइट पर पहुंच जाओगे, तो ये आपके पास है थीटा हो गया। इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, mass का कोई भी ब्लॉक रखते हैं। अब इसको अपन आगे की तरफ किस एक्सेलरेशन से चलाएं ताकि इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, तो a कोश टू कितना होता है g tan थीटा, सबको इसका आंसर मालूम है भी g tan थीटा, तो g को तो अपन क्या लिख देंगे g, बात करते हैं tan थीटा की, बात करते हैं tan थीटा कोश टू क्या होता है, tan थीटा कोश टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर तो कितना होगा आपके पास, वन अपॉन बेस क्या होता है आपके पास है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, माइनस क्या होगा आपके पास है परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा आपके पास है जी अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस वन। थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर भी करेक्ट चला जाएगा। अभी बढ़ते हैं फिर उसके बाद अपन आगे क्या कह रहे हैं अभी। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस थ्री फी एंड टू फी इज आर। इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड। ठीक है ना, द एंगल बिटवीन देम टू फोर्सेज इज, सुनना ध्यान से देखना देखो, थ्री पी और टू पी का रिजल्टेंट कितना देगा आपके पास आर हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्व टू थ्री पी का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है नाइन पी स्क्वायर, प्लस टू पी का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है फोर पी स्क्वायर, और प्लस कितना देगा आपके पास है थ्री इंटू टू कितना देगा सिक्स पी स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये बोला जा रहा है कि ध्यान से देखना देखो, इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, फर्स्ट फोर्स कौन सा हो जाएगा थ्री पी हो जाएगा, तो थ्री पी को अपन क्या करेंगे डबल कर देंगे सिक्स पी कर देंगे, तो रिजल्टेंट भी कितना देगा आर से टू आर हो जाएगा। तो टू आर का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है फोर आर स्क्वायर इक्वल टू थ्री पी को आपने क्या कर दिया अभी सिक्स पी स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना देगा आपके पास है थर्टी सिक्स पी स्क्वायर, और प्लस क्या देगा आपके पास है टू पी का फोर पी स्क्वायर, प्लस कितना देगा आपके पास है सिक्स इंटू क्या होता है आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो कितना देगा आपके पास है ये बन जाएगा ट्वेल्व, ये क्या बन जाएगा भैया आपके पास है ट्वेल्व पी स्क्वायर बन जाएगा ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे थ्री इंटू टू कितना देगा सिक्स इंटू टू टू ट्वेल्व पी स्क्वायर, ये आपके पास है कॉस थीटा। अब इस थ्री पी को आपने सिक्स पी कर दिया है तो सिक्स इंटू टू कितना देगा ट्वेल्व इंटू टू कितना देगा ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर पी स्क्वायर ये आपके पास है कॉस थीटा। एंगल तो वही रहने वाला है अभी। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं, अपने को दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अपने पास है ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी देवदान से, ये बन जाएगी आपके पास आर स्क्वायर इक्व टू क्या हो जाएगा आपके पास है नाइन पी स्क्वायर प्लस फोर पी स्क्वायर थर्टीन पी स्क्वायर, थर्टीन पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है ट्वेल्व पी स्क्वायर कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसकी बात करते हैं अपन, तो ये आपके पास है क्या देगा फोर आर स्क्वायर इक्व टू छत्तीस प्लस चार कितना देगा आपके पास है चालीस पी स्क्वायर प्लस ये आपके पास है कितना देगा ट्वेंटी फोर पी स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये यहाँ पर आपने को क्या करना है भी, इस आर को एलिमिनेट करना है। तो आर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को अपन फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अपन फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास है क्या देगा फोर आर स्क्वायर इक्व टू इसके बाद में कितना देगा फिफ्टी टू पी स्क्वायर प्लस 48 पी स्क्वायर कॉस थीटा। इसके बाद इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं भी इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो 4r² को बराबर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास 40 पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 24 पी स्क्वायर कॉस थीटा, और तो आपके पास बन जाएगा 40 पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 24 पी स्क्वायर कॉस थीटा इक्व टू ये आपके पास हो जाएगा 52 पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है 48 पी स्क्वायर कॉस थीटा। इसके बाद इसको अपन उधर की तरफ ले जाते हैं तो कितना बन जाएगा आपके पास बताओ 12, तो ये आपके पास हो जाएगा 12 पी स्क्वायर इक्व टू इसको अपन इधर की तरफ लेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास है 24 इसके बाद में पी स्क्वायर ये आपके पास है कॉस थीटा। पी स्क्वायर से अपन पी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास कॉस थीटा इक्व टू कितना देगा माइनस का वन बाई टू, तो कॉस थीटा इक्व टू कितना देगा अभी माइनस का वन बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है थीटा बराबर कितना देगा 120 डिग्री, थीटा कितना देगा आपके पास 120 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला देगा अभी। ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, ए बॉडी सो इन फिगर इज एक्सलरेटिंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन आपको पूछी जा रही है। तो 12 पे नीचे की तरफ तो क्या लग जाएगा आपके पास 12g यानी 120, और इस पे इधर की तरफ कितना लग जाएगा 120 साइंस 37, तो इसको अपन बोल देंगे 120 साइन 37 कितना होता है आपके पास 3/5 होता है। ठीक है ना, तो ये नीचे की तरफ कितना हो जाएगा आपके पास 72 आ जाएगा ना 72 न्यूटन।
ऊपर की तरफ आपके पास टेंशन है वो कितना देगा आपके पास टी हो जाएगा, और नीचे की तरफ इसका जो एक्सलेशन है वो ए इक्व टू कितना देगा आपके पास टू। तो नीचे की तरफ फोर्स कितना देगा 72, ऊपर की तरफ फोर्स कितना देगा आपके पास टी, नेट फोर्स बराबर कितना देगा एम ए, एम कितना देगा 12 इंटू ए कितना देगा आपके पास टू देगा। तो यहाँ से आपके पास टी बराबर कितना देगा अभी 72 माइनस कितना देगा आपके पास 24, तो ये आपके पास कितना देगा 48 न्यूटन। तो 48 न्यूटन आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। अभी समझ में आ गई ना बात है, ये चीज होगी। ओके, अब सुनना ध्यान से देखना, देखो आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट है ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज फुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस सरफेस बाय ए रॉ फॉर मास स्मॉल एम, इफ ए फोर्स पी इज अप्लाइड एट द फ्री ऑफ द एंड ऑफ ए रॉफ द फोर्स एग्जिटेड बाय द रॉफ ऑन द ब्लॉक विल बी। ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत आसान सा तरीका होता है, ये तो आपके पास है कैपिटल एम हो गया या आपके पास स्मॉल एम हो गया, यहाँ पर आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं एफ लगा रहे हैं, सबसे पहले एक्सलरेशन निकाल दो, ए इक्व टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन कैपिटल एम, या फोर्स कितना भी आपके पास है पी है तो पी लिख दो, कैपिटल एम प्लस क्या हो जाएगा आपके पास स्मॉल एम। अब बात सुनना भी, इस ब्लॉक पर आगे की तरफ कितना टेंशन लग रहा है अभी टी मान लो, तो इस टी की वैल्यू अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, तो टी इक्व टू कितना हो जाएगा आपके पास कैपिटल एम इंटू ए, तो क्या बन जाएगा आपके पास है कैपिटल एम, ए को अपन क्या लिख सकते हैं पी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो एम पी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में। अपन ये कह रहा है कि रॉफ ऑफ लेंथ एल इज फुल्ड बाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स एफ, वॉट इज द टेंशन इन द रॉफ एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो ये इस प्रकार से आपके पास एक रोप है, इसकी लेंथ कितनी भी एल है, यहां पे फोर्स कितना देगा आपके पास एफ। अब यहां से आपको क्या करना है, एक्स डिस्टेंस पर फोर्स अप्लाई करना है, तो ये वाली डिस्टेंस कितना देगी एक्स हो जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस कितना देगी आपके पास एल माइनस एक्स हो जाएगी। यहां पर आपको क्या करना है, इस प्रकार से टेंशन कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर, समझ गए बात आप। अब यहां पर टेंशन कितना देगी जीरो, यहां पर टेंशन कितना देगी एफ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने देगी भी एल हो जाएगी, एल डिस्टेंस चलने पर टेंशन है वो जीरो से हो जाती है एफ, तो यूनिट डिस्टेंस चलने पर एफ अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास एल। अपन कितनी डिस्टेंस चलते हैं अभी एल माइनस एक्स, तो एल माइनस एक्स डिस्टेंस चलने पर टेंशन टी बराबर क्या बन जाएगा आपके पास एफ बाई एल इंटू क्या हो जाएगा आपके पास एल माइनस एक्स, तो एफ बाई एल इंटू क्या देगा आपके पास एल माइनस एक्स, सेकेंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में अपन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अभी थ्री ब्लॉक्स ए बी सी मास कितना देगा 4, 2, 1, इसका मास कितना देगा 4, इसका मास 2, इसका मास कितना देगा आपके पास 1, फिर उसके बाद में फोर्स कितना लगा रहे हैं अभी अपन इस प्रकार से 40 न्यूटन का, तो ए इक्व टू क्या देगा आपके पास में नेट फोर्स कितना देगा 14 अपन टोटल मास कितना देगा 4, 2, 6 और ये कितना देगा 7, तो ये कितना देगा आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड इस पर, ये तो आपके पास एक्सलरेशन आ गया। अब ये बोला जा रहा है कि कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज, तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है, अभी यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है, तो देखना ध्यान से देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में अगर अपन बात करते हैं, तो ये वाला जो ए है इस बी पर आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है एफ, और इस फोर्स की वजह से इन दोनों ब्लॉक्स का जो सिस्टम है वो आगे की तरफ एक्सलरेट हो रहा है। तो अपन बात करते हैं कि नेट फोर्स भाई ये फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास एफ या स्मॉल एफ लिख दो, या इसको अपन क्या कर देंगे स्मॉल एफ लिख देंगे, तो एफ इक्व टू कितना देगा एम ए, टोटल मास कितना देगा 2 + 1 कितना देगा 3, और इसका एक्सलरेशन कितना देगा आपके पास 2 देगा, तो 3 × 2 कितना देगा आपके पास 6 न्यूटन, 6 न्यूटन फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में अपन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, इन द फिगर द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 30 न्यूटन, ठीक है ना, द वेट डब्ल्यू एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ओए इन न्यूटन ईच। तो बात सुनना अभी, यहां पर जैसे मान के चलिए आपके पास टेंशन है वो कितना देगा इस प्रकार से टी, तो ये तो कितना देगा टी कॉस 30, तो इसको अपन बोलेंगे √3 t/2,
ये आपके पास कितना हो जाएगा टी साइन 30 टी बाई 2। इसका ध्यान से देखना, देखो नीचे की तरफ कितना देगा W, तो यहाँ पर भी कितना देगा W देगा। तो यहाँ से आपके पास जो T by 2 है वो तो कितना देगा आपके पास है 30, तो यहाँ से आपके पास है T बराबर तो कितना देगा अभी 60 हो जाएगा। और यदि T बराबर कितना देगा आपके पास है 60, तो ये तो आपके पास है 60 आ गया, और ये कितना देगा आपके पास है 60 by 2 कितना देगा 30, तो 30 root 3 न्यूटन। तो किस किस के अंदर आपको पूछा जा रहा है OA, तो ध्यान से देखना, देखो वेट W, W तो किसके बराबर हो जाएगा 30√3, और ये कितना देगा आपके पास है 30 60 हो जाएगा 30√3 60। सेकंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी प्रकार से, उसी टाइप का क्वेश्चन होगा ये तो। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 7 kg 5 kg आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर ऑन ए स्मूथ सर्फेस, इफ ए फोर्स 6 N इज अप्लाइड ऑन द हेवियर मास ऑफ द फोर्स ऑन द लाइटर मासेस, ठीक है ना। तो बात सुना अभी, ये कितना देगा आपके पास है 7, ये कितना देगा 5, तो ए बराबर कितना देगा फोर्स अपॉन मास, कितना देगा आपके पास 1/2। आपको इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है अभी, इस पर फोर्स ये लगा रहा है, ठीक है ना। लाइटर ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, हेवियर ब्लॉक कितना लगा रहा है अभी, एफ लगा रहा है, तो एफ बराबर कितना देगा आपके पास एम ए, एम कितना देगा 5, ए कितना देगा आपके पास 1/2 देगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे 2.5 न्यूटन, तो 2.5 न्यूटन सेकंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी, ओके। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, यहाँ पर अपने पास में ऐसे बोल रहा है कि ये तो अपने पास में ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है 2m, तो इस 2m पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस 2m पे नीचे की तरफ तो फोर्स लग रहा है 2mg, ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है अभी, स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है F लग रहा है। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो यहां पर आपके पास है जो M है, इस M पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस M पर नीचे की तरफ तो लग रहा है MG, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है अभी T लग रहा है। अब यहां पर आपके पास जो T है वो T किसके बराबर हो जाएगा बताओ, MG के बराबर हो जाएगा। और यहां पे तो ध्यान से A और B के बीच में स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, तो इस B पर, इस A पर नीचे की तरफ भी क्या लग रहा है अभी MG लग रहा है, T लग रहा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, T बराबर तो कितना देगा MG, अब आपके पास F बराबर कितना देगा नीचे की तरफ 2MG प्लस T, T कितना देगा MG, तो F कितना बन जाएगा आपके पास 3MG बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3MG। अब ध्यान से देखना, देखो अपन क्या करते हैं अभी स्ट्रिंग को कट कर देते हैं, तो जैसे अपन स्ट्रिंग को कट करेंगे तो फिर उसके बाद में क्या सीन बनेगा ध्यान से देखना। देखो अपन स्ट्रिंग को यहाँ पे कट कर देते हैं, तो स्ट्रिंग को कट करने के बाद अगर अपन एफ बी डी बनाते हैं, तो इसका एफ बी डी कैसा बन जाएगा स्ट्रिंग कट करने के बाद में, ये तो आपके पास है क्या देगा 2m, ऊपर की तरफ स्प्रिंग है वो तो अभी खींची हुई है, तो इसका तो फोर्स लग ही रहा है, तो एफ बराबर तो कितना देगा आपके पास है 3mg लग रहा है। नीचे की तरफ इसका जो वेट 2mg है वो तो लग ही रहा है, पर स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि जैसे अपन इस स्ट्रिंग को रस्सी को काटेंगे तो काटती है ढीली पड़ जाएगी, स्लेक हो जाएगी, ठीक है ना, इसका टेंशन अपन जीरो कर देंगे। अब ऊपर वाला फोर्स इस पे क्या भी ज्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा A2, तो यहाँ से अपन इसका एक्सेलरेशन निकाल देते हैं A2 = ऊपर का फोर्स कितना देगा 3mg माइनस कितना देगा 2mg, तो इसको अपन क्या बोलेंगे mg अपॉन कितना देगा आपके पास है 2m, तो a बराबर कितना देगा आपके पास है g/2, ये आपके पास इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि अपन इसका एफ बी डी बनाते हैं, तो इसका ध्यान से देखना, तो टेंशन तो कितना देगा जीरो, तो नीचे की तरफ कितना देगा अभी एक्सेलरेशन निकालना है, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, इसका मास कितना देगा आपके पास m हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कितना देगा आपके पास है जी नीचे की तरफ, और इसका कितना देगा g/2 ऊपर की तरफ हो जाएगा। चलो अभी वापस अपन क्वेश्चन पर आते हैं, तो ध्यान से देखना, देखो ऐसे बोला जा रहा है a तथा b के त्वरण, तो a का त्वरण तो कितना देगा आपके पास है, a तो कौन है 2m वाला, तो g/2 और g/2 और g, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है ना। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ये क्या कह रहा है विद्युत से। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m एंड 2m आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली शोन इन द फिगर, द मास m इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड 2m
हैविंग वर्टिकली हैंगिंग वर्टिकली हैंग्स वर्टिकली इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड ब्लॉक्स मूव विद एन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, तो ब्लॉक्स का आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है अभी। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे इस पे नीचे की तरफ इधर की तरफ कितना लग जाएगा एम जी साइन थीटा, थीटा कितना देगा 30, तो साइन 30 कितना था 1/2, तो एम जी बाई 2 आ जाएगा। इस पर नीचे की तरफ कितना लग जाएगा अभी 2mg लग जाएगा, इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना देगा a, तो a कुछ टू कितना देगा 2mg, माइनस कितना देगा आपके पास mg बाई 2 अपॉन टोटल मास कितना देगा 2m प्लस m कितना देगा आपके पास है 3m, तो यहां से आपके पास a बराबर कितना देगा आपके पास है 2mg माइनस कितना देगा आपके पास है mg बाई 2, तो कितना देगा 3mg बाई 2, और इसको अपन बोलेंगे 3mg बाई 2 और डिवाइडेड बाई कितना देगा आपके पास है 3m, 3m से 3m को कैंसिल आउट कर देंगे तो a बराबर कितना देगा आपके पास है g बाई 2, तो a बराबर कितना देगा g बाई 2 आ जाएगा अभी, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, आंसर देखना देखो क्या करें। द पुलीज एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास फॉर द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी, तो बात सुनना भी ध्यान से। देखो यहाँ पे इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है अभी एम जी, यहाँ पे क्या लग रहा है अभी इस प्रकार से टी लग रहा है, तो ऑब्वियसली टी किसके बराबर हो जाएगा एम जी के बराबर होगा, तभी ये वाला ब्लॉक आपका रेस्ट में रह सकता है। अब बात सुनना भाई, टी कितना देगा आपके पास एम जी, तो इधर की तरफ भी कितना लग रहा है टी, इधर की तरफ भी कितना लग रहा है टी, ऊपर की तरफ दोनों का कितना देगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा कितना देगा 2t cos थीटा, तो 2t cos थीटा इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास √2mg, क्योंकि इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है √2mg फोर्स लग रहा है, तो 2 का तो कितना देगा 2 और t को अपन क्या लिख सकते हैं mg, और इसके बाद cos थीटा बराबर कितना देगा आपके पास √2mg हो जाएगा, mg से अपन mg को कैंसिल आउट कर देंगे, यहां से आपके पास है cos थीटा इक्वल्स टू √2/2, तो इसको अपन क्या बोलेंगे 1/√2, थीटा कितना देगा आपके पास है 45 डिग्री, तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सीधा सीधा करेक्ट चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पर अपने को फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है। अब बात सुना भी क्या कह रहा है भाई, फोर्स एक्ट्स ऑन इट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, द फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन बिलो, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकंड इज, तो बात सुना भी इनिशियल रेस्ट में था तो 10 सेकंड बाद में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया किसको बताता है भाई, चेंज इन मोमेंटम को बताता है, किसको बताता है, ये इम्पल्स को बताता है। तो चलो भाई एरिया अपन कैलकुलेट करते हैं, तो क्या बन जाएगा इसका एरिया, सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया निकाल दो आप, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इसका कितना देगा आपके पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक तो ये वाली साइड बन जाएगी 2 से 4 2, एक 0 से 4 4, तो 2 + 4 कितना देगा आपके पास है 6, इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितना देगा आपके पास है 10, ठीक है ना। और फिर उसके बाद है दुदान से, फिर उसके बाद आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला, तो ये कितना देगा आपके पास है प्लस हाफ इंटू यहाँ से यहाँ तक कितना देगा 10, यहाँ से यहाँ तक कितना देगा 20, तो दोनों पैरेलल साइड्स का सम कितना देगा 10 + 20 कितना देगा 30, इनके बीच की डिस्टेंस कितना देगी 4 से 6, ये आपके पास है 2, और प्लस क्या देगा आपके पास है ट्राइंगल, क्या होता है आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना देगा आपके पास है 6 से 10 4 हो जाएगा, हाइट कितने देगी आपके पास है 0 से 20, ये 20 आ गया। तो एरिया कितना देगा ध्यान से देखना, देखो एरिया ए बराबर कैलकुलेट करते हैं ध्यान से, 6/2 कितना देगा 3, 3 × 10 कितना देगा आपके पास है 30, तो ये आपके पास देगा 30 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना देगा आपके पास है 30 प्लस ये कितना देगा आपके पास है 40 इक्वल्स टू डेल्टा पी को अपन क्या लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू, तो m कितना देगा आपके पास है 2, v का v हो जाएगा, u कितना देगा आपके पास है 0, तो 40 प्लस 30 ये कितना देगा 100, v कितना देगा आपके पास है 50 आ जाएगा, कितना देगा 50 मीटर पर सेकंड, यानी आपका सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद अपन, यहां पर भी अपने को ध्यान से देखना, देखो फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, इसके बाद में आपको बोला जा रहा है ध्यान से देखना, देखो वेलोसिटी पूछी जा रही है कैपिटल टी टाइम पर, ठीक है ना।
वेलोसिटी यू आफ्टर द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग, ठीक है ना। तो फोर्स लगना जब बंद हो जाता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू हो जाती है। तो आपको क्या करें अभी, करो इस सेमी सर्कल, तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका जो एरिया है वो कितना देगा आपके पास, एम इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं अभी, सेमी सर्कल इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई टू होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर मतलब आर वन आर टू डिवाइडेड बाई टू इक्वस टू एम इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा वी हो जाएगा। इसके बाद है पाई रेडियस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना देगा आपके पास है, टी बाई टू। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना देगा आपके पास, एफ नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास है, टू, ठीक है ना। पाई आर वन आर टू इक्वल टू कितना देगा आपके पास, एम। इनिशियल वेलोसिटी कितना देगी, वी। वो इनिशियल वेलोसिटी कितना देगी, भी जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितना देगी, यू। तो यहां से अगर अपने को यू कैलकुलेट करना है, यू तो इक्वल टू कितना देगा भी, पाई टी एफ नॉट अपॉन टू टू फोर इंटू क्या देगा आपके पास, एम। तो पाई टी एफ नॉट अपॉन फोर एम, पाई टी एफ नॉट अपॉन फोर एम, थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा अभी। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, फिर उसके बाद में ये क्या करें अभी, पी और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है। अपन जानते हैं कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास है, डी पी अपॉन डी टी बराबर क्या होता है आपके पास है, टेन थीटा। अपन जानते हैं कि थीटा सबसे ज्यादा कहाँ पर है भाई, आर पर है। आर पर जो स्लोप है वो क्या देगी, मैक्सिमम। इस कारण से आर पर जो फोर्स है वो भी क्या देगा, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर हो जाएगा, आर पर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। देखो द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 0.4 केजी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्स। ईच इंपल्स की बात करते हैं अपन। देखो ध्यान से अपन बात करते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेकर की यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है अभी, ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करो। पर इस टाइम पर देवदान से यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेलोसिटी चेंज निकाल दो। तो वेलोसिटी कितनी देगी भी, इसको अपन बोल देंगे यू, बोल दो यू बराबर। देवदान से अगर अपन बात करते हैं, ये पार्टिकल टू से कहाँ पे आ जाता है, फोर वो मतलब टू से कहाँ पे आ जाता है, जीरो पे आ जाता है दो सेकेंड के अंदर। टू से जीरो पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना देगा आपके पास, बताओ। माइनस का टू हो गया भाई, u बराबर कितना होता है आपके पास है, डेल्टा x पर डेल्टा t। तो 0 माइनस क्या देगा आपके पास है, 2 अपॉन टाइम कितना देगा आपके पास है, 4 माइनस क्या देगा आपके पास है, 2। तो माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू कितना देगा आपके पास है, माइनस का 1 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और यदि अपन बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितना देगा आपके पास में, वही हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अपने को इंपल्स निकालना है तो आई इक्वल टू कितना देगा आपके पास है, डेल्टा पी बराबर कितना देगा आपके पास, एम इंटू डेल्टा वी। मास कितना दे रखा है भी आपको यहाँ पे, 0.4, और डेल्टा वी कितना देगा आपके पास, 1 माइनस माइनस क्या देगा, प्लस 1। तो 1 कितना देगा, 2। तो 0.8, तो 0.8 इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा अभी। समझ गए बात को आप, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या करें। अब ध्यान से देखना, देखो फ्रिक्शन के क्वेश्चन आ गए हैं। ये कह रहा है कि टू मासेस ए एंड बी ऑफ 10 केजी एंड 5 केजी रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड विद। तो ए का मास तो कितना देगा आपके पास है, 10। बी का मास कितना देगा आपके पास है, 5, ठीक है ना। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना देगा आपको, 0.2। मिनिमम मास ऑफ सी, सी का मास कितना देगा आपके पास है, एम। तो टोटल नीचे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा, 10 प्लस क्या देगा आपके पास, एम इंटू जी। ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इधर की तरफ क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन। एफ बराबर कितना होता है आपके पास, म्यू इंटू एन। म्यू कितना देगा आपके पास है, 0.2, यानी इसको बोलेंगे 1/5। एन कितना देगा आपके पास है, 10 प्लस का एम इंटू जी। नीचे की तरफ क्या देगा आपके पास है, 5g हो जाएगा। अब इसको नीचे की तरफ चलाने वाला फोर्स कितना देगा बताओ, 5g। ऊपर वाला फोर्स कितना देगा भी, इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 1/5
इंटू कितना देगा आपके पास है, टेन प्लस एम इंटू जी, जी से जी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास एम बराबर कितना देगा 25 माइनस 10 इक्वल टू कितना देगा 15 केजी, 15 केजी देगा भी। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद में अपन क्या कह रहे हैं ध्यान से। ए यूनिफॉर्म मेटल चेन इज प्लेस्ड ऑन ए रफ टेबल सच दैट वन एंड ऑफ चेन हैंग्स डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल, ठीक है ना। व्हेन वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ हैंग्स ओवर द एज द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग, तो ध्यान से देखना। इस प्रकार से अपने पास में एक टेबल है और फिर उसके बाद इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई भी चेन रखते हैं, तो टू थर्ड है वो तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से ऊपर की तरफ और वन थर्ड है वो इसके नीचे की तरफ आ जाएगा इस प्रकार से। अब अपन बात करते हैं ध्यान से देखना, देखो वन थर्ड है तो इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी, एम बाई थ्री इंटू जी, इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी, टू एम जी बाई थ्री, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है अभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन, और पीछे की तरफ क्या लगता है इस पे फ्रिक्शन लगता है, और जैसे नीचे की तरफ स्लाइड करेगी फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन एफ इक्वल टू कितना देगा आपके पास म्यू इंटू एन, तो एन कितना देगा आपके पास टू एम जी बाई थ्री इंटू क्या देगा आपके पास म्यू, इस वाले फोर्स को आप इस वाले फोर्स के बराबर कर दो, तो यहां से आपके पास में ध्यान से देखना देखो क्या बन जाएगा, टू एम जी बाई थ्री इंटू म्यू इक्वल टू क्या देगा आपके पास एम जी बाई थ्री, एम जी बाई थ्री से एम जी बाई थ्री को कैंसिल आउट कर दो, तो बच्चों म्यू इक्वल टू कितना देगा आपके पास वन बाई। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, ध्यान से देखना देखो। एक ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस विद ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाई वाई इक्वल टू कितना देगा एक्स क्यूब बाई सिक्स, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 द मैक्सिमम हाइट अबाउट द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग इज, सुनना ध्यान से देखना देखो। एक फॉर्मूला सबको मालूम है, म्यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास है टेन थीटा, और सब जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई सिक्स हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन कर दो तो कितना देगा आपके पास है थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्स, तो इसको अपन क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। और म्यू कितना देर का भी, म्यू आपके पास आ जाएगा 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर कितना देगा वन, तो एक्स बराबर भी कितना देगा आपके पास वन हो जाएगा, कितना देगा वन हो जाएगा। अब बात सुना भी, आपको पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट, यानी आपको वाई की वैल्यू पूछी जा रही है हाइट, तो वाई एक्सिस पे अपन देखते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या देगा आपके पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास सिक्स हो जाएगा, तो एक्स कितना देगा वन, तो वन बाई सिक्स मीटर, वन बाई सिक्स मीटर फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी। चलिए तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर उसके बाद में ये क्या करें अभी। इफ ए लेडर विंग 250 न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड फ्लोर इज 0.3 देन व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लेडर एंड फ्लोर। ऐसे बोल रहा है कि इसका वेट कितना देगा आपके पास है 250, इस लेडर का जो वेट है वो कितना देगा आपके पास है 250 हो जाएगा अभी। इस पर लगने वाले सारे सारे फोर्स में दिखा देता हूँ, इस पर नीचे की तरफ पर कितना देगा आपके पास है 250, ये तो इसका वेट हो गया, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा एन वन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना देगा आपके पास एन टू, ठीक है। अब देखना ध्यान से देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे इधर की तरफ क्या लग जाएगा अभी, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है एन टू, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 250, तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, जैसे ध्यान से देखना तो ये इधर की तरफ स्लिप करना चाहिए तो इधर की तरफ क्या लग जाएगा फ्रिक्शन लग जाएगा, तो एफ बराबर कितना देगा आपके पास म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना देगा अभी 0.3 इंटू एन कितना देगा आपके पास 250, तो ये तो कितना देगा आपके पास 75 न्यूटन हो जाएगा। तो क्या करें ध्यान से देखना देखो, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लेडर एंड द फ्लोर 75 न्यूटन, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करें। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 केजी
इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। द बॉडी गेन्स ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल आफ्टर इट मूव्स एट डिस्टेंस 2 मीटर। द फ्रिक्शनल फोर्स इज ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड। आगे की तरफ कितना फोर्स लगा रहे हैं अपन, 20 न्यूटन का, ठीक है ना। और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है कितना, एफ। ये नेट फोर्स आ गया, तो नेट फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना देगा आपके पास में, तो 2 मीटर। तो ये आपके पास नेट वर्क डन आ गया, और जो नेट वर्क डन है वही क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितने गेन कर लेती है भाई, ये पहले तो रेस्ट थी, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है आपके पास, 10 हो जाती है। तो 10 बाय 2 कितना देगा आपके पास, 5। तो F इक्वल टू कितना देगा आपके पास है, 20 माइनस 5 इक्वल टू कितना देगा आपके पास है, 15 न्यूटन। सेकेंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अपन ये कह रहा है कि ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड इफ इट इज नॉट टू स्लिप फ्रॉम द सरफेस। तो बात सुना भी, इस प्रकार से अपने पास है, इस प्रकार से कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को अपन इस प्रकार से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हैं। आर डिस्टेंस पर ये आपने कोई ब्लॉक रख रखा है। अब इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं, देखो ध्यान से। इस ब्लॉक पे एक तो फोर्स लगता है नीचे की तरफ एम जी, एक ऊपर की तरफ क्या लगता है भी एन लगता है। एक ध्यान से देखना, देखो बाहर की तरफ क्या लगता है भी, इस पर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लगता है। अंदर की तरफ इस पे क्या लगता है भी, फ्रिक्शन लगता है। F इक्वल टू कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है। तो F इक्वल टू कितना होता है आपके पास, म्यू इंटू एन। एन कितना देगा आपके पास, एम जी बराबर क्या देगा आपके पास, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एम से अपन एम को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास, म्यू जी अपॉन आर। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, म्यू जी अपॉन आर का रूट हो जाएगा। तो म्यू कितना देगा आपके पास है, 0.5। जी कितना देगा आपके पास है, 9.8। आर कितना देगा आपके पास है भाई, 10 मीटर देगा। और इसको अगर अपन सोल्व कर देंगे तो 0.49, और इसका रूट कितना देगा आपके पास है, 0.7 आ जाएगा। अभी फोर्थ ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा अभी, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम जाना पहचाना क्वेश्चन है। ये कह रहा है, गिवन ऑब्जेक्ट एक्स एन टाइम्स हैज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री रफ इंक्लाइन एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन ए परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन इज गिवन बाय। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। देखो इसका फॉर्मूला होता है, हर जगह ये क्वेश्चन मिलता है। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास, 10 थीटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर होता है। यहां पर आपके पास थीटा कितना देगा भी, 45 डिग्री। तो आपके पास है 10 थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा, म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, और ये वाला जो फॉर्मूला इसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं अभी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद में अपन। ये कह रहा है कि द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल द लोअर हाफ ऑफ ए रफ इज रफ। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट ऑफ कम्स बैक टू रेस्ट एट द बॉटम। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लोअर हाफ इज गिवन बाय। सिंपल सी बात है कि आपके पास इस प्रकार से ये कोई एक इंक्लाइंड है, ये आपके पास थीटा हो गया, ये इसके दो पार्ट हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ये आपके पास इस प्रकार से रफ हो जाएगा। यहाँ से कोई ब्लॉक है नीचे की तरफ फिसलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे इसका यू बराबर कितना देगा, 0। और जैसे यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे इसका वी बराबर कितना देगा, 0 देगा। अब ध्यान से देखना, तो इस पे नीचे की तरफ क्या लगता है, एम जी साइन थीटा लगता है। तो एम जी साइन थीटा का वर्क डन कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इंटू एक्स बोल देंगे इसको अपन, एम जी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से ये वाली लेंथ भी कितना देगी, एक्स, और ये वाली लेंथ भी कितना देगी, एक्स। तो एक्स एक्स कितना देगा आपके पास में, 2x हो जाएगा। और इसके बाद में जो फ्रिक्शन है उसका वर्क डन कितना देगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। और फ्रिक्शन तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक ही लगता है, तो इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स इक्व टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 देगी। तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा इंटू 2x इक्व टू म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स देगा।
एम जी से अपन एम जी को कैंसिल आउट कर देंगे और एक्स से अपन क्या करेंगे, एक्स को कैंसिल आउट कर देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से आपके पास म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टू टेन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टू टेन थीटा। फोर्थ ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर मैंने अप्लाई की है, वर्क डन बाई एम जी, ठीक है ना, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपको करना है अभी इसके अंदर। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर। यह कह रहा है कि ए कॉइन ऑफ मास 10 ग्राम इज प्लेस्ड ओवर ए बुक ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, द कॉइन इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग व्हेन वन एंड ऑफ द बुक इज लिफ्टेड 10 सेंटीमीटर अप, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बुक एंड द कॉइन। ये बुक है, इस बुक को आपने इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठा लिया और बुक की जो लेंथ है वो कितना देगी आपके पास में, ये हो जाएगी आपके पास में 50 सेंटीमीटर। बुक की लेंथ हो जाएगी 50 सेंटीमीटर और इसको आपने ऊपर की तरफ उठा दिया 10 सेंटीमीटर, ये एंगल आपके पास है थीटा बन जाएगा और ये रेस्ट में रह रहा है अभी। अपन जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास है 10 थीटा, ये फॉर्मूला सब जानते हैं, और 10 थीटा इक्वल टू कितना देगा आपके पास है 10/50, इसको अपन बोलेंगे 0.2। फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, तो ध्यान से देखना, देखो म्यू एक क्या होता है भाई, कोएफिशिएंट होता है और ये किस पे डिपेंड करता है भाई, ये कॉन्टेक्ट सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है। म्यू किस पे डिपेंड करता है भाई, कॉन्टेक्ट सरफेस उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बढ़ा भी दोगे तो भी ध्यान से देखना, देखो आपका जो म्यू है वो अनचेंज रहेगा, इस पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अपन जानते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एफ एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। एन को अगर आप बढ़ा दोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ सकता है, और ये तो एक प्रकार का कोफिशियंट है जो कि सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, इसमें किसी प्रकार का चेंज है वो नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। तो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। नो, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट का कोई लफड़ा ही नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड करता है एक तो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, और काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। थर्ड कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, सरफेस की नेचर पे तो डिपेंड करता ही है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो म्यू एस ग्रेटर देन क्या होता है आपके पास, म्यू के होता है, ये बात हमेशा सही होती है, ठीक है ना। अपन जैसे ग्राफ देखते हैं तो उस ग्राफ में भी अपने को इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलता है, ये लिमिटिंग के बाद में इस प्रकार से काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। ये तो होता है आपके पास है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आपके पास में स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो म्यू एस होता है वो म्यू के से क्या होता है, बड़ा होता है अभी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा इसके अंदर। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करें। ये वाला तो जाना पहचाना क्वेश्चन बिल्कुल एकदम, देखो ध्यान से, देखो जैसे मतलब ये ए से आगे की तरफ जाएगा तो इस पर इधर की तरफ क्या लगेगा, एम ए, इधर की तरफ इस पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, इधर की तरफ नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, एम जी लग जाएगा। एन है वो ऑब्वियसली किसके बराबर जाएगा, एम ए के बराबर जाएगा। ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू इंटू एन हो जाएगा। म्यू एन कितना देगा आपके पास, एम ए हो जाएगा। अब आपके पास जो फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए एम जी, तभी ये रुका रह सकता है, अदरवाइज तो नीचे की तरफ गिर जाएगा ये। तो फ्रिक्शन को अपन क्या बोलेंगे, म्यू एम ए ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी हो जाएगा अभी। तो यहाँ से आपके पास में ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, जी डिवाइडेड बाई म्यू। फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर अपना करेक्ट चला जाएगा अभी। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, ए बॉय फ्रेशेज इज बुक अगेंस्ट है फ्रंट वॉल सच दैट द बुक बुक डज नॉट मूव। तो ध्यान से देखता हूँ, इस प्रकार से ये अपने पास में कोई फ्रंट वॉल है और यहाँ पे कोई लड़का जो इसके सामने इस प्रकार से कोई बुक है, इस बुक को इसने क्या करके अभी इस प्रकार से प्रेस करके फोर्स लगाता है एफ, इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाता है, नीचे की तरफ इस पे एम जी लग जाता है। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे जो बुक है इस बुक पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग जाएगा, क्योंकि एम जी के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी मोशन की टेंडेंसी आएगी, ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन इसको गिरने से क्या करता है अभी, बचाता है। तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लग जाएगा, अपवर्ड। फोर्थ ऑप्शन अपना इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। ये कह रहा है कि ए बॉय और मास 1 केजी स्ट्रॉन, ए बॉडी ऑफ ए मास 1 केजी स्ट्रॉन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड
इफ इट मोमेंटरी कम्स इन रेस्ट आफ्टर अटेनिंग ए हाइट ऑफ 18 मीटर, बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंका, तो इस पे नीचे की तरफ पे क्या लगता है, mg, तो mg कितना देगा आपके पास में 10 हो देगा। और ध्यान से देखना, देखो नीचे की तरफ क्या लगता है, इस पे एयर का फ्रिक्शन लगता है, रिटार्डिंग फोर्स लगता है, इसको अपन एफ बोल देते हैं। ये ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ कितना जाती है भी 18 मीटर, ठीक है ना। और किस वेलोसिटी से आपने इसको फेंका है, 20 मीटर पर सेकंड से आपने इसको फेंका है। तो अपन वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो क्या कहती है, ध्यान से देखना, देखो वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। mg का वर्क डन कितना देगा, mg नीचे की तरफ लग रहा है 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना देगा आपके पास 18, अपोजिट डायरेक्शन में इसका से माइनस का साइन लगा देंगे, इसके बाद में प्लस फ्रिक्शन है वो भी इस प्रकार से नीचे की तरफ लग रहा है, और फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना देगा आपके पास 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका साइन है वो भी अपन क्या कर देंगे, इस प्रकार से माइनस का कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको भी अपन माइनस कर देंगे, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना देगी 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना देगी आपके पास में हाफ, एम कितना देगा आपके पास बताओ 1, और वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना देगा 400, तो माइनस सब जगह से अपन कैंसिल आउट कर देंगे 180, ये आ जाएगा आपके पास 180, और इसके बाद में प्लस क्या देगा आपके पास में 18 एफ इक्व टू, ये क्या बन जाएगा आपके पास में 200 बन जाएगा भाई, कितना बन जाएगा 200, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो आपको ये मतलब फोर्स कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पर आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन है यही कैलकुलेट करना है अभी, ये आपको जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है एयर फ्रिक्शन यही आपको कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इक्व टू कितना देगा आपके पास 200 माइनस का 180 इक्व टू कितना देगा 20 जूल, तो 20 जूल है कि एनर्जी लॉस करवाएगा, किसकी वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से अपन इक्वेशन को सोल्व कर दिया अभी। या करें मैन पूछे जो वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस, अपन जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास है 0 है तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0, नो वर्क एट ऑल, थर्ड ऑप्शन अपना इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, देखो क्या करें, ए कॉर्ड इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली ए ब्लॉक ऑफ मास m, ये ब्लॉक है इसका मास m है, इस पे नीचे की तरफ क्या लग जाएगा mg, ऊपर की तरफ टेंशन लग जाएगा t, नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास है g/4, तो नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा mg माइनस का t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास है m g/4, तो यहां से आपके पास t इक्वल टू कितना हो जाएगा 3mg/4 हो जाएगा। अब बात सुनना भी, इसका डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ कितना देगा आपके पास डी हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू कितना देगा वर्क डन बाय टेंशन, भाई वर्क डन बाय कोड पूछा जा रहा है ना, तो वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना देगा आपके पास 3mg/4 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना देगा आपके पास डी, फोर्स है वो ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, इस कारण से माइनस का साइन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन, ये क्या कह रहे अभी, ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए 30 ग्राम पार्टिकल इन सच ए वे, भाई x और t का आपको फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, x और t के बीच में रिलेशन आपको दे रखा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 3t माइनस 4t² और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है t³ हो जाएगा, भी प्लस हो जाएगा आपके पास है t³, तो v इक्वल टू क्या होता है अभी यहाँ पर dx/dt, इसको अपन बोलेंगे 3 माइनस कितना देगा 8t और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है 3t² हो जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं टी बराबर जीरो पर, तो टी बराबर जीरो पर वी वन इक्व टू कितना बन जाएगा भी 3 बन जाएगा, और टी इक्व टू अपन बात करते हैं 4 पर वी टू इक्व टू कितना बन जाएगा, ये आपके पास है 3 माइनस 8 इंटू 4 कितना देगा 32 और प्लस 3t², तो टी कितना देगा 4, 4 का स्क्वायर कितना देगा 16, ये आपके पास कितना देगा 48 आ जाएगा भी, तो सॉल्व करते हैं कितना देगा भी, ये देगा आपके पास 16 + 3 19 आ जाएगा, कितना देगा 19। वर्क डन इक्व टू क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्व टू हो जाएगा आपके पास हाफ एम v² माइनस क्या देगा आपके पास v₁² हाफ, मास कितना दे रखा अभी 30 ग्राम
30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 वी टू स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना देगा 361 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 9 हो जाएगा। और यदि इसको अपन सोल्व कर देंगे आपके पास में 5.28 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 यानी 5.28 आ जाएगा। अभी फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी सोल्व करने पे। ओके आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो देन। ये क्या करें, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। भाई ध्यान से देखना, देखो वर्क डन इक्वल्स टू क्या था आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना देगा आपके पास एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना देगा एक्स मान लो, तो एम जी तो क्या देगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रपोर्शन टू क्या देगा एक्स। अब ध्यान से देखना, देखो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इसका रेशियो कितना देगा 1:3:5, तो आपके पास डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू और डब्ल्यू थ्री का रेशियो भी कितना देगा 1:3:5 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1:3:5 हो जाएगा। अभी समझ गई बात आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहा है कि टू सिमिलर स्प्रिंग पी एंड क्यू हैव स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के पी एंड के क्यू सच दैट के पी ग्रेटर देन के क्यू। तो सबसे पहले इनको सेम अमाउंट से खींचते हैं तो आपके पास डब्ल्यू इक्वल टू क्या देगा हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स अगर सेम हो गया तो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा के। अब बात सुना भी के पी ग्रेटर देन के क्यू, तो आपके पास डब्ल्यू पी ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास डब्ल्यू। दूसरे केस में अपन लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्या देगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ऊपर भी इसको अपन के से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी के से, तो के अपॉन के, तो ये आपके पास हो जाएगा के एक्स होल स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास है टू के, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या देगा आपके पास एफ स्क्वायर अपॉन टू के। दूसरे केस में सेम फोर से आप खींच रहे हो, तो एफ अगर कॉन्स्टेंट है तो डब्ल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास है के। अब बात सुना भी के पी ग्रेटर देन के क्यू है, तो आपके पास डब्ल्यू पी लेस देन क्या देगा आपके पास डब्ल्यू क्यू देगा, इस पर डेस भी लगा दोगे आप। समझ गए ना आप, तो कौन सा सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच थ्रू ए डिस्टेंस एस इज 10 जूल। ठीक है ना, 10 जूल देर का अभी, तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू क्या होता है हाफ के एस स्क्वायर। एस अगर आपने डिस्प्लेस किया है तो ये आपके पास 10 जूल हो जाएगा। तो आपको पूछा जा रहा है वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू कितना देगा आपके पास हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। तो आपके पास एस तो पहले डिस्प्लेसमेंट था, अब एस आपने फर्दर और डिस्प्लेस कर दिया तो 2s हो गया, तो 2s का स्क्वायर कितना देगा 4s स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर क्या देगा एस स्क्वायर। तो ये कितना देगा आपके पास 3 इंटू हाफ के एस स्क्वायर, और हाफ के एस स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 10, तो 30 जूल अपना इसके अंदर आंसर आ जाएगा। तो 30 जूल आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा अभी। ठीक है, चलिए तो बच्चों इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ये क्या कर रहे थे उधर से, ये अगर वेरिएबल फोर्स गिवन बाई टू डायमेंशनल वेक्टर एफ वेक्टर इज टू 3 एक्स स्क्वायर आई के प्लस 4 जे के, एक्स ऑन ए पार्टिकल द फोर्स इन न्यूटन एंड एक्स इज इन मीटर, वॉट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एज इट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 2:3 to 3:0, द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। देखो सीधी सी बात है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट क्या है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, तो अपन देखते हैं आंसर देखना, देखो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम आपके पास में क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप में चेंज आपको निकालना है तो आप वर्क डन निकाल दें। तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, तो वर्क डन अपन कैसे निकालते हैं एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू प्लस क्या देगा आपके पास एफ वाई डी वाई फ्रॉम वाई वन टू वाई टू देगा। एफ एक्स कितना देगा आपके पास 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर डी एक्स, x1 कितना देगा 2, 3, 2 से 3 जाना आपको, और प्लस fy कितना देगा आपके पास में 4, इसके बाद है dy, और y हो जाएगा 3 से 0। अब यहां पर आपके पास x क्यूब x स्क्वायर का क्या होता है x क्यूब अपॉन 3, और 3 से अपन 3 को कैंसिल आउट कर देंगे तो x क्यूब आ जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना देगा बताओ 27,
माइनस 2 का क्यूब कितना देखा आपके पास 8, और इसके बाद में प्लस, इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे आपको जाना है कहाँ से, 3 से 0, तो आपके पास में क्या बन जाएगा अभी 4, और इंटू क्या बन जाएगा आपके पास में 0 माइनस 3, यानी ये आपके पास में माइनस का 3 बन जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस 8 कितना बन जाएगा अभी, इसको अपन बोल देंगे 19, और इसके बाद माइनस का 4 इंटू 3 कितना देगा 12, कितना देगा आपके पास माइनस का 7 हो जाएगा, कितना देगा माइनस का 7, तो माइनस का 7 जो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद अपन। ये कह रहा है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन ए टेबल सच दैट लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg, व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। तो बात सुनना भाई, देखो ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर, पूरी जो चेन है इसका मास कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। सच दैट लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज, अब इस 2 मीटर में से 60 सेंटीमीटर वो नीचे की तरफ लटक रहा है अभी, ठीक है ना। द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg, तो देखना ध्यान से देखो, ऐसा है कि जो 2 मीटर है, 2 मीटर का जो मास है वो कितना हो जाएगा आपके पास में 4 kg, तो आपके पास में जो 1 मीटर है इसका मास कितना हो जाएगा बताओ, 4/2 इक्वल टू क्या देगा आपके पास में 2 kg आ जाएगा, कितना देगा 2 kg। और इसके बाद में बात करते हैं अपन जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास कितना हो जाएगा, अभी 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, इसका मास कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू ये आपके पास में 0.6 इक्वल टू कितना देगा आपके पास 1.2 kg, इतना तो मास नीचे की तरफ लटक रहा है। अब यदि अपन बात करते हैं इस प्रकार से, ये आपके पास टेबल होगी, इस टेबल के ऊपर से देवनान से इस प्रकार से चेन का कुछ पार्ट है वो नीचे की तरफ लटक रहा है अभी, इसको आपको ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है ना। और यदि इसको आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो इसका सेंट्रोमास ये रहा, तो इसका सेंट्रोमास, तो सेंट्रोमास का ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है वो अपन निकाल लेंगे YCM, तो YCM कितना हो जाएगा, हैंगिंग पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, तो YCM कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी इसको अपन क्या बोलेंगे 0.3 या आपके पास मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हैंगिंग पार्ट का वेट है वो कितना देगा mg, तो वर्क डन अपने को निकालना है, तो हैंगिंग पार्ट है इसका वेट कितना देगा 1.2 इंटू जी कितना देगा आपके पास है 10, ठीक है ना, तो mg इंटू एच कितना देगा आपके पास है 0.3 या आपके पास है 3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा आपके पास बताओ, 3.6 बन जाएगा ना, इसको अपन बोलेंगे 3.6, तो 3.6 जूल आपका सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो mg इंटू एच, mg इसके अंदर अपन लेते हैं मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, और h होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रोमास, ठीक है ना, और सेंट्रोमास कहाँ पे होता है, अभी बीच में होता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन फिर उसके बाद में, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या करे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए सर्टेन इनिशियल स्पीड, अनदर बॉल ऑफ द सेम मास इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है ना, इन द विद द सेम इनिशियल स्पीड एट हाइस्ट पॉइंट्स ऑफ देयर जर्नी द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज विल बी। तो बात सुना भी, पोटेंशियल एनर्जी हाइस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। तो अपन जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल्स टू क्या होता है mgh, अनदर बॉल ऑफ सेम मास, मास आपके पास है सेम हो गया, जी आपके पास है सेम हो गया, एच का खेल है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास एच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ना से रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज विल बी, तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं u1 डिवाइडेड बाई u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास h1 डिवाइडेड बाई h2 हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, पहली वाली बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है, वर्टिकली डायरेक्शन फेंका है, तो वर्टिकल डायरेक्शन फेंका, तो इसके लिए h इक्वल टू कितना देगा u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, तो h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास u स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 2g। दूसरी वाली बॉल है, इसको ध्यान से देखना, देखो 60 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है भाई,
वर्टिकल के साथ में 60 फेंका तो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना हो जाएगा 30। तो अपन क्या करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g वाला फॉर्मूला लगा देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो अपन डिस्कस करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g तो हो ही गया, साइन स्क्वायर थीटा, बात सुना भी, थीटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना, और साइन 30 कितना होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 हो गया। इसके बाद यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को काट दो, 2g से 2g को काट दो, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4:1। तो 4:1 आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी देखो ध्यान से, ये कह रहा है बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन x-y प्लेन एट रेस्ट, इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, 2 पीसेस ईच ऑफ मास m मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद इक्वल स्पीड्स v, द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन इज, ये सीधी सी बात ही है, यहाँ पर ये आपके पास है 4m है, ये रेस्ट में रखा हुआ है, और इसके बाद इसकी स्पीड है वो कितना देगा 0, तो इसका मोमेंटम भी कितना देगा 0। 4m है वो 3 पीसेज में टूटता है, एक तो आपके पास है क्या देगा m, ये इधर की तरफ इस प्रकार से v से चलता है, तो इसका मोमेंटम इधर की तरफ mv हो गया, एक का मास भी कितना देगा m, इसकी स्पीड भी इधर की तरफ कितना देगी v, तो इसका मोमेंटम इधर की तरफ कितना देगा mv। दूसरे वाले का जो मास है इसका मास कितना देगा आपके पास 2m, इसकी स्पीड है वो इधर की तरफ हो जाएगी, ये आपके पास है वी डेस। अब देखना ऐसे देखो, यहाँ पे mv इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इधर की तरफ निकल जाएगा, और ये रिजल्टेंट कितना देगा आपके पास √2mv आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात सुना भी, इनिशियल मोमेंटम बराबर 0, तो फाइनल मोमेंटम भी आपको 0 करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन आपको अप्लाई करना है, तो फाइनल मोमेंटम 0 कब हो सकता है, जब √2mv 2m into v dash बराबर होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखना, देखो √2mv equals to क्या देगा आपके पास 2m into v dash आ गया, तो m से अपन क्या करेंगे m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास v dash equals to क्या बन जाएगा बच्चों v upon √2 बन जाएगा, इसकी स्पीड भी अपन निकाल ली। अब आपको एक्सप्लोजन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो टोटल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, हाफ m into v square, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी बताओ, हाफ m into v square इसकी हो गई, और इसकी अपन बात करते हैं तो प्लस हाफ into क्या हो जाएगा आपके पास 2m into क्या बन जाएगा आपके पास v dash square, तो v dash square क्या हो जाएगा आपके पास v square divided by 2 आ जाएगा। इसके बाद हाफ m v square प्लस हाफ m v square, ये आपके पास है क्या हो जाएगा mv square, और प्लस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास mv square by 2, तो इसको अपन क्या बोलेंगे 3/2 mv square देगा, 3/2 mv square फोर्थ ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखना, देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से तीसरे पार्टिकल की अपन ने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, और उसके बाद में तीनों की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल है वो आपको नेट काइनेटिक एनर्जी देगा भी, या एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन देगा, समझ गए बात आप। चलो आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में अपन, देखो यहाँ पे ये कह रहा है द ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विद द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड कंप्रेसेस बाय इट बाय लेंथ l द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। तो सुनना ध्यान से देखना, देखो मान लो कि इसका जो मोमेंटम है भाई, इसका मोमेंटम अभी कितना आपके पास में, इसका मोमेंटम अभी है p, जैसे ये ब्लॉक इस स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा तो ये स्प्रिंग इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, और स्प्रिंग अगर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी तो इसका मोमेंटम वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैक्सिमम मोमेंटम की अगर बात करें तो मैक्सिमम मोमेंटम आपको किस केस में मिलेगा, जब ये इस स्प्रिंग को बिल्कुल टच करता है, और जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम वो डिक्रीज होता जाएगा। तो चलो यहाँ पर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, भी और तो कोई फोर्स यहाँ पे लग नहीं रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास होता है हाफ, इसके बाद है के इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना हो जाएगा एल, ठीक है ना, कितना कंप्रेस कर देता है एल, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब स्प्रिंग फोर्स तो इधर लगा रही, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, और माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m हो जाएगा।
माइनस से अपन माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, टू से अपन टू को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास पी बराबर कितना देगा भाई, ये एल तो बाहर आ जाएगा और इसके बाद में एम इंटू के, ये अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। ये कह रहा है बुलेट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड कैन जस्ट पेनिट्रेट टू प्लैंक्स ऑफ इक्वल थिकनेस, देन द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स पेनिट्रेटेड बाय द सेम बुलेट व्हेन द स्पीड इज डबल्ड। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भी, ऐसा है कि आपके पास में वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, टू ए एस हो जाएगा, या टू ए एक्स बोल दो इसको आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे v तो आपको क्या करना है, अभी जीरो करना है, फाइनली v जीरो देगा, इक्वल टू यू स्क्वायर प्लैंक्स वो रिटार्डेशन लगेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास, टू ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। अगर स्पीड को आपने डबल कर दिया, स्पीड को अगर आपने टू टाइम्स कर दिया ना, तो फिर उसके बाद में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स है वो भी क्या हो जाएंगे, फोर टाइम्स हो जाएंगे। तो पहले नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने थे, ध्यान से देखना, देखो टू, तो टू का फोर टाइम्स कितना हो जाएगा, एट। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट चला जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है देखो आप। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करे। ये कह रहा है पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट एस एट सर्टेन हाइट इज काइनेटिक एनर्जी इज थ्री टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी द हाइट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। तो बात सुनना अभी, ये कह रहा है कि पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एस, यहाँ से एस से अपने रिलीज कर दिया अभी पार्टिकल को, एस हाइट से अपने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी थ्री टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो बात सुनना अभी, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अपन बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर तो इसके पास में ध्यान से देखना, तो केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पर तो केवल यू ही था, और यहाँ पर जो के है वो के कितना था भाई, जीरो था। अब काइनेटिक एनर्जी वो क्या, ध्यान से देखना, देखो थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो 75% पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी बची है अभी, पोटेंशियल एनर्जी बची है कितनी, 1/4 बची है, समझ गए। तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 बचने का मतलब ये हुआ कि जैसे मतलब यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, एस हो जाएगी, तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास, एस डैश हो जाएगी, ठीक है ना। तो एस डैश है वो कितना हो जाएगा आपके पास, एस बाई फोर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच होती है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी अगर 1/4 हो गई तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। डायरेक्टली यहाँ से अपन बता सकते हैं कि एस बाई फोर हो गया, ठीक है ना। एक तो ये हो गई, इसके बाद में यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो स्पीड आपको पूछी जा रही है, तो स्पीड अपन कैसे निकाल सकते हैं अभी, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो फोर्स कितना लगता है, एम जी, ठीक है ना, नीचे की तरफ लगता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, एस बाई फोर, तो ये ग्राउंड से हाइट है, ये टोटल कितने डिस्टेंस चल चुका है, थ्री एस बाई फोर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, थ्री एस बाई फोर, ये वर्क डन हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। एम से अपन एम को कैंसिल आउट कर देंगे, टू से फोर को कैंसिल आउट कर देंगे, टू टाइम्स, तो यहाँ से आपके पास वी बराबर कितना हो जाएगा, थ्री जी एस बाई टू का रूट। तो एस बाई फोर, थ्री जी एस बाई टू का रूट, फोर्थ ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या करें। ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m स्प्लिट्स इनटू थ्री इक्वल फ्रेगमेंट्स, टू फ्रेगमेंट्स हैव वेलोसिटी v jkf एंड v ikf, द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट इज। तो बात सुना अभी, 3m है तो m m m तीन पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो गया, एक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v ikf, तो m v ikf इसका मोमेंटम हो गया, दूसरे का कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो m v ये आपके पास है jkf हो गया, और तीसरे का कितना देगा आपके पास, एम वी वेक्टर। इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी आपके पास जीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास एम वी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का एम वी, इसके बाद आई के प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, जे के हो जाएगा। एम से अपन एम को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास वी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वी आई के प्लस जे के हो जाएगा। तो माइनस का वी आई के प्लस जे के, थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। अभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए एच ऑन इफ एम एंड एल रिप्रेजेंट द मास ऑफ द वॉल्व एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है ना। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो बात सुना भी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले यहां से अपन इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, एल हो जाएगी, ठीक है ना। तो एल हो गई, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा एंगल 30, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास एल कॉस 30 हो जाएगा, और ये कितना देगा आपके पास एल साइन 30 हो जाएगा। तो एल कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है आपके पास रूट 3 एल बाई टू, तो ये आपके पास हो जाएगा रूट 3 एल बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, देखो यहाँ पे, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो आपको बोला जा रहा है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन बाई एम जी, तो डेल्टा के ई इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास एम जी इंटू एच कितना देगा आपके पास रूट थ्री एल बाई टू, तो आपके पास आ जाएगा रूट थ्री बाई टू एम जी एल, थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से आप। चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, इट लूजेस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इट विल अटेन ए हाइट अगेन इक्वल्स टू। अब देखो ध्यान से, 50% एनर्जी का लॉस हो जाता है यहाँ पे, तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 50%। तो अपन जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम जी एच होती है ना। तो फिर उसके बाद में जो ये रिबाउंड होकर के वापस ऊपर की तरफ जाएगी, तो कितनी हाइट ये अटेन करेगी, पहले वाले की हाफ हो जाएगी, तो अपन क्या बोलेंगे, हाफ द इनिशियल हाइट, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास एम जी एच होता है, तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। अब एनर्जी अगर आधी हो जाएगी तो हाइट अब वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास में आधी, तो आपके पास में ध्यान से यू डैश इक्वल टू यू बाई टू, तो एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास एच बाई टू हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, हाफ द इनिशियल हाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ध्यान से। ये कह रहा है रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ ए बॉय ऑफ हाफ ऑफ हिज मास। देखना ध्यान से, देखो इस प्रकार से ग्राउंड के ऊपर एक तो आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, और एक इस प्रकार से छोटा सा कोई लड़का है। इसका मास कितना देगा कैपिटल एम, इसका मास कितना देगा स्मॉल एम, ठीक है ना। और स्मॉल एम इक्वल टू कितना देगा आपके पास में, स्मॉल एम इक्वल टू ये देगा आपके पास, या सीधा लिख देते हैं अपन एम बाई टू बोल दो इसका मास। ओके, तो ए रनिंग मैन हैज, तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैन आपको लास्ट में पूछा जा रहा है, तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैन कितना देगा आपके पास में, मान लो इसकी स्पीड हो जाएगी वी, और इसकी जो स्पीड है वो कितना देगी आपके पास में, मान के चलेगा वी डैश हो जाएगी, कितना देगी वी डैश। अब इस आदमी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस लड़की की काइनेटिक एनर्जी की हाफ दे रखी है, तो अपन बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय डिवाइडेड बाई टू। आदमी की काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी बताओ, हाफ एम ये आपके पास वी स्क्वायर इक्वल टू, इस लड़के की काइनेटिक एनर्जी कितना देगी, हाफ मास कितना देगा इसका एम बाई टू, और इंटू वी डैश स्क्वायर, ठीक है वी डैश स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी की भी क्या देगी आपके पास हाफ हो जाएगी। अब यहाँ से दोनों से अपन क्या करते हैं, देखो 1 बाई टू से अपन 1 बाई टू को कैंसिल आउट कर देते हैं, m से अपन m को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास वी स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास v डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ से आपके पास में जो v डैश है, तो v डैश इक्वल टू कितना देगा आपके पास 4 v स्क्वायर का रूट कितना देगा, यह देगा आपके पास 2 v हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 v। समझ गए बात आप, तो ये कह रहे हैं रनिंग मैन हैज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ ए बॉय हाफ ऑफ हिज मास, ठीक है ना। द मैन स्पीड्स अप बाय 1 meter per second सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ द बॉय, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन विल बी। अब बात सुनना भी, अब आदमी क्या करता है अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, आप आदमी अपनी स्पीड को वी से बढ़ा करके कितने कर लेता है, वी प्लस वन कर लेता है। तो अपन क्या करते हैं अभी, अब दादा से आदमी की काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगी, हाफ एम ये देखा आपके पास v प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू, लड़के की काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगी, हाफ
मास कितना हो जाएगा इसका m बाई टू और वेलोसिटी कितना देगी वी डेज स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो हाफ से अपन हाफ को कैंसिल आउट कर देते हैं, m से अपन m को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा v प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास में v डेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बन जाएगा। ओके इसके बाद देखना ध्यान से देखो दोनों तरफ से मैं क्या कर देता हूँ इसका रूट कर देता हूँ, तो दोनों तरफ से अगर अपन रूट कर देंगे इसका तो क्या बन जाएगा आपके पास में v प्लस क्या देगा आपके पास वन इक्वल टू ये आपके पास ना देगा v डेस डिवाइडेड बाई ये आपके पास ना रूट टू बन जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना देखो v डेस है वो आपको यहाँ से पुट करना पड़ेगा इसके अंदर क्योंकि आपको आदमी की काइनेटिक आदमी की स्पीड पूछी जा रही है, तो v डेस है वो कितना पुट कर देंगे अपन टू वी पुट कर देंगे, तो ये कितना देगा आपके पास टू वी डिवाइडेड बाई रूट टू, तो ये अपने पास में कितना देगा रूट टू वी आ जाएगा भी, ठीक है ना। इसके बाद में आपको v तो कैलकुलेट करना है, तो फिर उसके बाद इस v को आप उधर की तरफ ले जाएंगे, तो उस v को अगर अपन उधर की तरफ ले जाएंगे तो वन इक्वल टू क्या देगा आपके पास में रूट टू माइनस वन इंटू क्या देगा आपके पास v, तो v इक्वल टू कितना देगा आपके पास वन अपॉन रूट टू माइनस वन, तो वन अपॉन रूट टू माइनस वन थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा भी। समझ गई बात आप, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अगला क्या कह रहे हैं, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 100% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। बात सुनना भी, देखो सबसे पहली बात है कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है अभी पी स्क्वायर अपॉन टू एम होता है, ठीक है ना। मोमेंटम आपने 100% से बढ़ा दिया मतलब मोमेंटम को आपने टू टाइम्स कर दिया, पी डेज बराबर क्या होगा आपके पास टू टाइम्स ऑफ वी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना देगी आपके पास फोर टाइम्स हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ मतलब चार गुना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यानी 400% हो जाएगी। इसमें से 100% तो इसके पास पहले थी तो 300% की यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 300% की ग्रोथ हो जाएगी, तो कितने से बढ़ जाएगी 300% से, फोर्थ ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा अभी, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास एम एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स एफ फॉर टाइम टी, इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन इंटरवल टी इज, तो चाहे इसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लो, चाहे इसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो, चाहे आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से कर लो, कई सारे तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। तो चलो ध्यान से देखना, देखो पार्टिकल पहले क्या था रेस्ट में था, एफ फोर्स आपने लगाया टी टाइम के लिए, तो इंपल्स आई इक्वल टू कितना देगा आपके पास एफ इंटू टी, और इंपल्स बराबर क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था फाइनल मोमेंटम पी हो गया, तो पी बराबर एफ टी हो गया, और काइनेटिक एनर्जी आपको पूछी जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m बन जाएगा भी, तो इसको अपन बोलेंगे f स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, f स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m सेकंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा भी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, a car of mass m is driven with a acceleration a along a straight level road against a constant external resistive force r when the velocity of car is v the rate at which the engine of the car is doing work। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, देखो कार है, कार का मास कितना देगा m हो जाएगा, इस पर आगे की तरफ फोर्स कितना देगा एफ हो जाएगा, पीछे की तरफ रेजिस्टिव फोर्स कितना देगा आर हो जाएगा, एक्सलरेशन आगे की तरफ कितना देगा आपके पास ए हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद इसकी स्पीड अब वो कितना देगी आपके पास में वी, तो भैया आगे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, पीछे की तरफ लग रहा है आर लग रहा है, इक्वल टू कितना देगा आपके पास एम ए, तो एफ इक्वल टू कितना देगा आपके पास एम ए प्लस क्या देगा आपके पास आर, ठीक है ना। तो आपके पास पी इक्वल टू कितना देगा आपके पास एफ इंटू वी, एफ इक्वल टू कितना देगा आपके पास एम ए प्लस आर इंटू वी, इसका इंजन है वो इतनी पावर डिलीवर कर रहा है, तो आर प्लस एम ए इंटू वी थर्ड ऑप्शन सीधा सीधा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ये कह रहा है कि इफ द हार्ट पुशेस 1 cm ऑफ ब्लड इन 1 second अंडर प्रेशर 2000 Nm² द पावर ऑफ हीट इज, पावर ऑफ हीट इज, तो ध्यान हार्ट इसको हर्ट करना भी पावर ऑफ हर्ट इज, ठीक है। तो सुनना ध्यान से देखना, देखो देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पावर पी इक्वल टू क्या होता है आपके पास एफ अपॉन सॉरी पावर पी का फॉर्मूला क्या होता है अभी पावर इक्वल टू क्या होता है आपके पास एफ इंटू वी, इसके बाद इसको ऊपर भी आप ए से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी आप ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ अपॉन ए इसको अपन क्या बोल सकते हैं प्रेशर इंटू ए इंटू वी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू,
प्रेशर तो कितना दे रखा है आपको 2000 और वॉल्यूम फ्लो रेट कितना दे रखा है आपको 1 cm³ 1 cc, तो 1 cc 1 का 1 और cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10⁻⁶ m³ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पापन क्या बोल सकते हैं 2 × 10⁻³ W। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या करें। ये कह रहे बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स, आपको दे रखे यूनिट वेक्टर ये दे रखे, व्हाट फोर्स विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम टी। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहली बात है कि आपको फोर्स दे रखा है एफ, क्या दे रखा है अभी 2TiKF प्लस क्या देगा आपके पास 3T²jkF हो जाएगा। अपन यहां से एक्स रे से निकाल देते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास एफ अपॉन एम, इसको अपन बोलेंगे 2TiKF प्लस क्या देगा आपके पास 3T²jkF हो जाएगा। इसके बाद यदि आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको एक्सलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, जीरो से लेकर के टी तक। तो टू का तो क्या देगा आपके पास है टू, और टी का क्या देगा T²/2, तो टू से टू कट जाएगा, तो T²iKF और प्लस 3T²T³³3 तो TQ हो जाएगा, तो ये आपके पास है T³jkF आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं पावर की पी, तो पी क्वेश्चन क्या होता है आपके पास एफ डॉट क्या हो जाएगा आपके पास वी हो जाएगा। तो फोर्स की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा अभी 2T और वेलोसिटी में क्या देगा आपके पास T³, तो क्या बन जाएगा आपके पास T² तो 2T³। IKF वगैरह तो इसमें आता नहीं है क्योंकि ये तो आपके पास में क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है प्लस। इसके बाद है 3T² × कितना हो जाएगा T³, तो कितना हो जाएगा 3T⁵ हो जाएगा 3T⁵ वो वॉट, तो 2T³ प्लस 3T⁵ 2TQ प्लस 3T⁵ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा इसके अंदर। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या करें। ये रे पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्राइविंग बाय ए मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर k, है ना, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज। तो आपको ध्यान से देखना, देखो फोर्स इस पे कैलकुलेट करना है, तो पावर आपको दे रखी है भी p, तो p बराबर कितने दे रखी है आपको k दे रखा है, और P बराबर क्या होता है आपके पास F इंटू वी होता है। तो F को अपन क्या लिख सकते हैं M A इंटू वी, M को M लिख देंगे और A को अपन क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखना, देखो dV अपॉन dt इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है V आ जाएगा अभी, ठीक है। इसके बाद में ये बन जाएगा आपके पास V dV इक्वल्स टू, तो V dV इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास K बाई M इंटू क्या देगा आपके पास है dt, दोनों तरफ से अपन इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो ये देखिए क्या बन जाएगा V²/2 बन जाएगा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास है KT/M बन जाएगा। यहां से आपके पास है V² = क्या देगा आपके पास है 2KT/M आ जाएगा। अगर आपको V कैलकुलेट करना है तो आपके पास V = कितना देगा आपके पास 2K/M का तो रूट, और टी का भी रूट है तो इसको अपन बोलेंगे T⁻²। आपको निकालना है a, तो a इक्वल टू क्या होता है बच्चों a बराबर क्या होता है आपके पास में a बराबर होता है dV/dt, तो a इक्वल टू क्या होता है dV/dt होता है, तो ये आपके पास है 2K/M का रूट, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, और T⁻², तो इसका अपन क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, और T⁻², इसमें से अपन क्या कर देंगे 1 को माइनस कर देंगे ना, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो T⁻², तो इसको अपन क्या बोल देंगे रूट ऑफ टी नीचे की तरफ ले जाकर के बना देंगे। ओके इसके बाद क्या बन जाएगा दुदान से, ये 2 अगर अंदर की तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास के अपॉन एम तो है ही, और इसके बाद टी ए अंदर आ जाएगा रूट के अंदर, और ये 2 भी यहाँ पर आ जाएगा, ये तो आपके पास ए आ गया। एफ इक्वल टू क्या देगा आपके पास एम इंटू ए, तो एम से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा एम अंदर चला जाएगा रूट के अंदर, तो के एम अपॉन कितना देगा आपके पास 2t का रूट, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा देख लो ध्यान से, ये बन जाएगा आपके पास में के एम अपॉन 2, तो ये तो बन गया ना,
एम के अपॉन टू और टी की पावर 1/2 ऊपर जाकर के माइनस का 1/2 आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट चला जाएगा अभी। समझ गए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना, देखो। इफ ए बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर विद ए कांस्टेंट स्पीड वी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी एम वी स्क्वायर बाय आर एंड इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ओवर हाफ द सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस। भाई सीधी सी बात यह है कि जैसे मतलब सर्कल पे इस प्रकार से घूम रहे हैं तो फोर्स तो इधर की तरफ लगता है और वेलोसिटी इधर की तरफ लगती है, तो हमेशा जो वर्क डन है वो क्या होता है, जीरो होता है बस, ठीक है ना। तो फोर्स इज डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ये एफ सी होगा, ये आपके पास में बी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या कर रहा है अभी, एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ इन ए हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन विद ए सेंटर एट द ओरिजिन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एक्स इक्वल टू माइनस टू मीटर। तो बात सुना भाई, इस प्रकार से ये सर्कल हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस टू मीटर मतलब पार्टिकल कहाँ पर हो जाएगा आपका, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस फोर जे के एफ, तो माइनस फोर जे के एफ मतलब वेलोसिटी इस प्रकार से इधर की तरफ होगी, ये आपके पास वेलोसिटी होगी। वॉट इज द ऑब्जेक्ट्स एक्सलरेशन वेन इट्स वेन इट इज एट वाई इक्वल टू टू, तो वाई इक्वल टू टू पर अगर यहाँ पर होगा तो एक्सलरेशन किधर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है, ये आपके पास ए सी हो गया। तो अपन बात करते हैं ए सी इक्वल टू क्या होता है आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी तो कितना देर का अभी, फोर फोर का स्क्वायर कितना देगा 16 अपॉन आर, आर कितना देर का अभी आपको 2, तो ये कितना देगा आपके पास 8 हो जाएगा। तो ए सी बराबर कितना देगा आपके पास, माइनस का 8 जे के एफ, तो माइनस का 8 जे के एफ कौन सा फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट चला जाएगा अभी। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्या करें, ये करें व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, तो भैया ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला आता है 2π/T, तो 2π का 2π और t बराबर कितना था 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में कितना बन जाएगा, अभी इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, तो 2π/86400 ये आना चाहिए अभी, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसके अंदर। चलो भी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंट टुगेदर बाई ए थ्रीड एज शोन इन फिगर, ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इफ द वेलोसिटी ऑफ आउटर मोस्ट पार्टिकल इज वी डॉट देन द रेशियो ऑफ टेंशन इन द थ्री सेक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग। देखो बाहर वाली की वेलोसिटी आपको वी नॉट दे रखी है और तीनों है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स को कवर कर रहे हैं, तो तीनों की ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगी भी सेम होगी। तो अपन बोल देते हैं कि इसके अबाउट अपन इसको क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से ओमेगा से घुमा रहे हैं, किससे घुमा रहे हैं ओमेगा से, इस पर बाहर की तरफ ये जो सी है, इस सी पर बाहर की तरफ कितना लगता है एम ओमेगा इस पर इनटू आर, आर कितना देगा एक्स या एल एल एल, ठीक है ना, आर कितना देगा आपके पास एल 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 हो गया, तो कितना देगा आपके पास है 3L हो गया, और अंदर की तरफ ध्यान से देखना देखो क्या बन जाएगी टेंशन, तो टेंशन क्या देगी इस प्रकार से T1 मान लो आप, ठीक है ना, या इसको अपन बोल देंगे T3 बोल देंगे। इसी प्रकार से ध्यान से देखना देखो ये आपके पास हो गया B, इस B पर, B पर क्या होता है अभी बाहर की तरफ एक तो टेंशन लगती है इस धागे के अंदर जो है, अंदर की तरफ टेंशन लगती है T2, तो अंदर की तरफ तो टेंशन कितना देगी आपके पास है T2, बाहर की तरफ टेंशन एक तो आपके पास है T3 हो जाएगा और एक इसका एम ओमेगा इस पर इंटू 2L, तो T3 कितना देगा आपके पास है 3m ओमेगा स्क्वायर L, तो 3+2 कितना देगा आपके पास है 5, तो 5m ओमेगा स्क्वायर इनटू L हो गया। इसी प्रकार से यदि अपन FBD बनाते हैं कि इसका भी A का A हो गया, अब इस पर अंदर की तरफ टेंशन कितना देगा T2, तो इधर बाहर भी कितना देगा T2 और अंदर कितना देगा भी T1 हो जाएगा, तो इधर की तरफ तो टेंशन कितना देगा आपके पास है T1, इधर की तरफ कितना देगा T2 और प्लस इसका खुद का एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एल सेंट्रीफ्यूगल लग जाएगा, तो यहाँ से T1 बराबर कितना देगा T2 कितना देगा 5 ओमेगा स्क्वायर इनटू एल, तो कितना देगा आपके पास 6m ओमेगा स्क्वायर इनटू एल हो जाएगा भी, तो T3 कितना देगा 3, T2 कितना देगा 5 और T1 कितना देगा 6, 3 5 6 फोर्थ ऑप्शन डायरेक्टली इसके अंदर
करेक्ट चला जाएगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अगर मास इज सपोर्टेड ऑन ए फिक्स्ड लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग एंड रोटेटेड अबाउट ए फिक्स्ड सेंटर एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर डबल्ड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हिच वाज इनिशियली टी नॉट इज। तो ध्यान से देखना, देखो टी इक्वल्स टू कितना देखा आपके पास, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एल बोल दो आप। अब आपने क्या क्या डबल किया अभी, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर डबल्ड, तो एक तो एम को तो आपने एम ही रखा है, ठीक है ना, और ओमेगा को आपने कितना कर दिया, टू टाइम्स कर दिया, तो टू का अपन कर देंगे स्क्वायर, और लेंथ को भी आपने क्या कर दिया टू, तो टू का स्क्वायर फोर इंटू टू कितना देगा आपके पास एट, तो टेंशन कितना देगा आपके पास एट टी नोट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट आ जाएगा अभी, ओके। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहे हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड टू ए रोफ ए बी ऑफ नेग्लिजिबल मास सच दैट वन इज एट एंड ए अदर इज डाइविंग द लेंथ ऑफ रोफ इन द रेशियो 1:2 फ्रॉम बी, द रोफ इज रोटेटेड अबाउट एंड बी इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेशियो ऑफ टेंशंस इन स्मॉलर पार्ट टू द अदर इच। ध्यान से देखना, देखो अपने पास इस प्रकार से कोई रोफ है, दो एंड्स हो गए इसके, एक तो देखा अपने पास ए, ए को देखा अपने पास इस प्रकार से बी, एक तो ध्यान से देखना देखो एम मास का पार्टिकल अपन यहां पर बांध देते हैं और एक अपन इस प्रकार से एम मास का पार्टिकल यहां पर बांध देते हैं, ओके। और इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको अपन इसके अबाउट इस प्रकार से यू घुमा रहे हैं, इसके अबाउट यू घुमा रहे हैं अपन, मान के इसलिए ओमेगा एंगुलर स्पीड हो जाएगी। अब आपको यह बोला जा रहा है कि इस प्रकार से अपन इसको लेंथ है वो कितने भी 1:2 में, तो इसको अपन मान लेते हैं, मान के इसलिए एक्स हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे 2x बोल देंगे। तो दोनों पार्टिकल्स के अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले आपके पास ये वाला जो पार्टिकल है इस पार्टिकल पर बाहर की तरफ फोर्स लगा देंगे, तो बाहर की तरफ फोर्स कितना देगा बताओ, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसके रेडियस कितना देगी 2x प्लस एक्स कितना देगा 3x हो जाएगा, तो इसको अपन बोल देंगे 3x। अंदर की तरफ इस पर टेंशन क्या लग जाएगा इस प्रकार से, इसको अपन बोलेंगे T1 बोल देंगे, तो यहाँ पर भी जो टेंशन है वो कितना देगा T1 हो जाएगा। अब देखना ऐसे देखो, ये वाला जो पार्टिकल है इस पार्टिकल पर बाहर की तरफ क्या लग जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कितना देगा आपके पास एक्स देगा, और अंदर की तरफ जो टेंशन है वो कितना देगा आपके पास में T2 देगा। तो अपन इस पर देखते हैं, तो यहाँ से अपने पास जो T1 है, T1 कितना देगा 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं T2 की बात करते हैं, तो यहाँ से अपने पास जो T2 है, T2 इक्वल टू कितना देगा T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ से T1 कितना देगा 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 4m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ये बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्मॉलर पार्ट टू द अदर इज, तो स्मॉलर पार्ट में टेंशन कितना हो जाएगा T2 और इसके बाद में T1, ये रेशियो निकालना, तो ये तो आपके पास में 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 4:3, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm विद कॉन्स्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.25 सेकेंड, द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, क्या कह रहा है अभी, रेडियस आपको दे रखी है, टाइम पीरियड आपको दे रखा है ना, एक्सलरेशन आपको पूछा जा रहा है, तो ए क्वेश्चन क्या होता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो ओमेगा बराबर कितना देगा 2π/T, तो 4π² अपॉन क्या देगा आपके पास T², तो यहाँ से आपके पास 4π² आर, आर कितना देगा आपके पास 5 cm, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी 5 cm, तो 5 को अपन क्या बोल सकते हैं अभी 4π² आर कितना देगा आपके पास 5×10⁻²² अपॉन T², टी कितना देगा अभी 0.25, तो इसको अपन क्या बोल देंगे अभी 0.2 मतलब π/5 बोल सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे π² / कितना देगा 25, π² से π² को कैंसिल आउट कर देंगे, और इसके बाद 25 × 4 कितना हो जाएगा 100, और इसके बाद इसको और
इसको इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा आंसर आपके पास में, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड इन ए वॉच इज 1 सेंटीमीटर, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकंड इज, 15 सेकंड में टिप की वेलोसिटी में कितना चेंज आ जाएगा अभी ये आपको पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो ध्यान से देखना, देखो टिप है वो इस प्रकार से यहाँ पे था, फिर यहाँ पर आ गया, पहले इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v थी, अब इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना देगा आपके पास, रूट टू टाइम्स ऑफ v, तो रूट टू टाइम्स ऑफ v, v बराबर क्या होता है आपके पास ओमेगा इंटू आर, और v बराबर क्या होता है आपके पास ओमेगा इंटू आर, ओमेगा कितना देगा आपके पास 2 पाई अपॉन t, सेकेंड सेंड है इसका t कितना होता है 60 सेकेंड, इंटू आर कितना हो जाएगा एल, और एल कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो इसको अपन बोल देंगे 1 सेंटीमीटर हो गया, क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, ये बन जाएगा आपके पास में 2/60 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट टू पाई अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो रूट टू पाई अपॉन 30 फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करें। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस अंडर द सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस के बाई आर, के इज कॉन्स्टेंट द टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन शैल बी प्रोपोर्शनल टू, बहुत सिंपल है भाई, एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास के बाई आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो इसको भी आप एम वी स्क्वायर अपन आर के बराबर कर दो, तो आर से आर को कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से आपके पास में वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास के बाई एम, तो यहाँ से आपके पास v बराबर कितना देगा k बाई m का रूट देगा, इसके बाद t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v आता है, तो इक्वल्स टू कितना देगा 2 पाई r अपॉन v, v कितना देगा आपके पास रूट ऑफ k बाई m, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, कितना सिंपल है, सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या करें। ए पार्टिकल मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड v अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंड कंप्लीट द सर्कल इन टाइम t, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो भैया सीधी सी बात है, a a इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इनटू r होता है, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास 2 पाई अपॉन t इसका स्क्वायर इनटू क्या देगा आपके पास r, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन, ये आपके पास टी स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर क्या हुआ, पार्टिकल मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड वी अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है ना, एंड कंप्लीट्स द सर्कल इन टाइम टी, एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो पार्टिकल का एक्सलरेशन आपको निकालना है ना, तो एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ये बन जाएगा आपके पास में, एक कण चाल v से r त्रिज्या के वर्ताकार मार्ग पर गति करता है तथा एक चक्कर t समय में पूर्ण करता है, कण का त्वरण कितना देगा, एक वस्तु क्या देगा ओमेगा स्क्वायर इनटू r, ओमेगा कितना देगा 2 पाई बाय t इनटू r, तो 2 पाई यानी 4 पाई स्क्वायर r अपॉन ये t स्क्वायर बन जाएगा ना, तो स्पीड भी तो v दे रखी है ना आपको, स्पीड भी v दे रखी है, तो फिर उसके बाद में अब अपने को चेंज करना पड़ेगा इसको दोबारा से, फिर तो किस किस के टर्म में, अभी आपको इसके अंदर स्पीड भी लेके आनी पड़ेगी भी, तो टी इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास 2 पाई आर अपॉन वी होता है, ठीक है ना, और इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो आपको निकालना है ए, तो ए इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में, ए इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, तो v स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो कितना देगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर, ये आपके पास बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर, ये भी बन सकता है एक, तो और एक ध्यान से देखना, देखो ए सी ए कुछ तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा आपके पास v इंटू क्या देगा आपके पास v अपॉन r, v को अपन क्या लिख सकते हैं, v को अपन यहां से लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन t, 2 पाई r अपॉन क्या देगा आपके पास है t,
आर का आर आ जाएगा और वी को अपन क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। तो आपके पास आर से आर कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2π वी अपॉन टी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? मिल गया, तो 2π वी अपॉन टी फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट चला जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं अपन। ये अगर है पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स एफ इट्स स्पीड इज। अभी यह सीधी सी बात है, एफ है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एमवी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस कर रहा है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एमवी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, स्पीड। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर अपॉन एम का रूट। तो एफ आर अपॉन एम का रूट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अभी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या करें। वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज टाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg। इट इज वाइल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4 rads/s। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर आंसर देखना, देखो टेंशन कितना होता है लोअर मोस्ट पॉइंट पे। यहाँ पर जो आंसर यहाँ पे नीचे की तरफ एक तो लग जाएगा एम जी, और एक ध्यान से देखना देखो क्या देगा आपके पास, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ऊपर की तरफ क्या देगा आपके पास, टेंशन हो जाएगा। तो टी बराबर कितना देगा, एम जी प्लस क्या होता है आपके पास, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो एम जी एम कितना देगा आपके पास में 0.5, इंटू जी कितना देगा आपके पास है 10, प्लस एम कितना देगा 0.5, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कितना देगा 4 का स्क्वायर कितना देगा 16, इंटू आर कितना देगा अभी 1 मीटर। तो ये तो कितना देगा 5, प्लस कितना देगा आपके पास 8, 13 न्यूटन। सिंपली आंसर निकाल दिया अपन ने। आगे बढ़ो भाई। ये कह रहा है कि 1 kg स्टोन इज एट द एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज वाइल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल एट कॉन्स्टेंट स्पीड 4 m/s। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6 N। भाई ये आपके पास 1 kg का स्टोन है, तो एक तो एम जी निकाल लो, एम जी कितना होता है, एम जी हो जाएगा आपके पास है 10, और एक आप निकाल लो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम कितना देगा आपके पास 1 हो जाएगा, वी कितना देगा अभी 4 का स्क्वायर कितना देगा 16, डिवाइडेड बाई आर कितना देगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना देगा आपके पास 16 हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर अगर लोएस्ट पॉइंट पर बात करते हैं तो नीचे की तरफ ही क्या देगा आपके पास एम जी, और नीचे की तरफ ही क्या देगा आपके पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पर ये टेंशन हो जाएगा। तो टी इक्वल टू कितना देगा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो 10 + 16 कितना देगा 26 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर टेंशन अंदर की तरफ टी आ जाएगा, नीचे की तरफ एम जी लग जाएगा, और बाहर की तरफ क्या देगा आपके पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो टी बराबर कितना देगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, यानी 16 - 10 = 6। तो 6 कहाँ पे हो रहा है अभी, हाईएस्ट पॉइंट पे हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास टॉप ऑफ द सर्कल, फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपके बचे हैं, अभी जस्ट कंप्लीट करते हैं। देखो ध्यान से बच्चों अपन, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या करें। द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट द स्ट्रिंग जस्ट लेग एट द हाइस्ट पॉइंट इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस। सिंपल है, कुछ नहीं बताऊंगा। थर्ड ऑप्शन इसके अंदर आपको याद रखना है, √5gl। ओके आगे बढ़ते हैं अपन। पार्टिकल इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पासेस थ्रू 2 positions एट एंगल 30°, 60°। तो ध्यान से देखना देखो, यहाँ पे 30 पे टेंशन क्या होता है ज्यादा, 60 पे टेंशन क्या होता है कम, फॉर्मूला आपको मालूम होगा। तो अपन बात करते हैं कि T1 > क्या देगा आपके पास है T2। थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि व्हेन ए सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस्ड टू 50% व्हाइल इट मेक्स 36 rotations, हाउ मेनी मोर रोटेशंस विल इट कंप्लीट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। भैया सीधी सी बात यह है, ओमेगा से कितना जाता है अभी, ओमेगा बाई 2 आ जाता है, या ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 आ जाता है, और ओमेगा नॉट 2/0 हो जाता है। यहाँ पे कितने चक्कर काटता है, ये 36 चक्कर काटता है। तो यहाँ पर कितने चक्कर काटता है, एन चक्कर काटता है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। थर्ड इक्वेशन लगा दो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपके पास ओमेगा नॉट स्क्वायर, और प्लस क्या होता है आपके पास 2α इंटू क्या होता है थीटा होता है। फाइनल कितना हो जाएगा आपके पास ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2² 4 हो जाएगा, और ओमेगा नॉट स्क्वायर इसके बाद माइनस ये आपके पास 2α थीटा कितना देगा आपके पास 36 लिख दो आप,
2 alpha into कितना देगा आपके पास 36 equals to 3 omega naught square divided by 4 आ जाएगा। फिर यहां से लेके यहां तक की बात करते हैं तो फाइनल कितना देगा आपके पास है 0, इनिशियल कितना देगा ओमेगा नॉट बाई 2, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4, माइनस कितना देगा आपके पास है 2 alpha, थीटा कितना देगा n हो जाएगा, तो 2 alpha into n इक्वल टू क्या देगा आपके पास ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इक्वल टू कितना देगा 3 को नीचे की तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा अभी 12 into 2 24 alpha हो जाएगा, तो 24 alpha, एल्फा से एल्फा को काट दो तो n बराबर कितना देगा आपके पास है 12 चक्कर और काटेगा भी, तो 12 चक्कर 2 आपका आंसर आ गया अभी, ठीक है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 89, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ए कॉइन प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग टर्न टेबल स्लिप्स व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस 9 cm फ्रॉम द सेंटर, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज ट्रिपल्ड इट विल जस्ट स्लिप इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज। तो बच्चों ध्यान से देखना, देखो अपने पास इस प्रकार से ये कोई एक टर्न टेबल है और इसके ऊपर मैंने इस प्रकार से कोई कॉइन रख दिया है, इस कॉइन पर बाहर की तरफ आपको लगाना है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, नीचे की तरफ एम जी लगा दो, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा दो जो कि ऑब्वियसली एम जी की बराबरी होगा। अब एम ओमेगा इस पर आर है वो इसको बाहर की तरफ स्लिप करेगा तो अंदर की तरफ लगता है फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन है वो क्या करता है ध्यान से देखना, इसको स्लिप होने से बचाता है। तो अपन बात करते हैं कि एफ इक्वल टू कितना देगा म्यू एन, म्यू एन कितना देगा आपके पास एम जी इक्वल टू कितना देगा आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है, बात करते हैं अपन आर की बात करते हैं, या सीधा ऐसे सिंपली सोच सकते हैं अपन कि म्यू कांस्टेंट होगा, एम कांस्टेंट होगा, जी कांस्टेंट होगा, एम कांस्टेंट होगा, तो आपके पास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास 1/ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को आपने क्या कर दिया अभी ट्रिपल कर दिया है, तो आर है वो कितना देगा 1/9 हो जाएगा। तो आर इनिशियली कितना था आपके पास 9 cm, तो 9/9 कितना देगा 1 cm, फोर्थ ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा इसके अंदर टेंशन वाली बात है नहीं है। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन पर अपन पहुंच चुके हैं, तो ये तो सिंपली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एच इक्वल टू कितना देगा 5 m, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी इक्वल टू √2gh होती है ना, √2gh, एच कितना देर का आपको 5 m, और यहाँ पर आपके पास जो वी है वो इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कितना होना चाहिए आपके पास √5gr होना चाहिए। तो ये आपके पास एज पर गिवन फिगर टू कंप्लीट द सर्कल व्हाट शुड बी द रेडियस, रेडियस अपन आर लिख देते हैं ठीक है ना, इन दोनों को इक्वल कर दो तो 2g इनटू कितना देगा आपके पास है 5 इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास है 5g इनटू आर, दोनों भी रूट है दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया कोई दिक्कत नहीं है 5g, तो आर बराबर कितना देगा आपके पास है 2 m, फोर्थ ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये अपना 90 क्वेश्चंस का पार्ट था जिसके अंदर अपन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर और सर्कुलर मोशन अपन ने कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसको अटेंड किया होगा। मिलते हैं फिर कभी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।